जहां तक हमें लगता है कि चाहे आपको आईटी सेक्टर में नौकरी करनी है, चाहे आपको आईटी सेक्टर में नौकरी नहीं करनी है, बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है ट्रेनिंग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप जो है 1 लाख रुपए दे के अगर आप बीटेक कर सकते हैं, अगर आप 15,000 दे के पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 2,000-3,000 खर्चा करके आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप विश्वास करें कि जितना आपने अपने पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में नहीं पढ़ा होगा, वो हम आपको इस ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं। कम से कम आपको यहाँ पे ये क्लासेस जो होंगी, ये कम से कम चलेंगी 2+ मंथ्स तक। आई थिंक पिछली बार जो हमारी ट्रेनिंग थी, वो 3 मंथ्स तक कंटिन्यू हुई थी, 3+ ही गया था। तो इस बार भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर यही ऑफलाइन ट्रेनिंग होती तो हम लोग ये कोर्सेस कंप्लीट कराते 45-50 डेज में, जस्ट बिकॉज कि दूर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, दे हैव टू गो, उनको वापस कॉलेज की क्लासेस अटेंड करनी है। बट ऑनलाइन में एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है, और खास तौर से जब ये हमारा कोविड चल रहा है, और हमारा नहीं है, कोविड चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि अभी आने वाले एटलीस्ट 45-60 डेज तक आपकी क्लासेस बिल्कुल ओपन नहीं होने वाली हैं, आपके कॉलेजेस की क्लासेस बिल्कुल ओपन नहीं होने वाली हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके पास टाइम है। अगर अभी क्या होता है कि मैं समझ रही हूँ कि आप लोग ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बट ये क्लासेस आप जितना लेट से स्टार्ट करोगे, जितना लेट स्टार्ट करोगे, उतना लेट आपकी क्लासेस खत्म होगी। दिस इज फैक्ट, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। सो अगर आप, आपके पास एक ऑप्शन है, दिस इज बैच सेकंड। बैच फर्स्ट की क्लासेस नियर अबाउट 15+ डेज से पहले से चल रही हैं। बैच सेकंड के लिए आप आने वाले 1 से 2 दिन तक और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है फ्रॉम महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, गोरखपुर के जो है राजकीय पॉलिटेक्निक का, सुंदरपुर वाराणसी से, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है इस ट्रेनिंग को, अलग अलग कॉलेजेस से, बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। द फैक्ट इज कि अगर फी ज्यादा है तो आपको कंटेंट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा। जितना कंटेंट आप बिलीव करें, अगर आप 3,000 रुपीज दे रहे हैं ना, तो इसमें हम आपको 100+ दिन पढ़ाने वाले हैं, 100+ वीडियोज आपको मिलने वाली हैं। एक वीडियो आपको जो है बहुत ही कम कॉस्ट की पड़ती है। तो यहाँ आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप बिलीव करें, जितना कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, जितनी चीजें हम आपको इसमें पढ़ाते हैं, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम HTML। आप लोगों ने अभी, आप समझ ले 2% की क्लासेस आपने की हैं। HTML के बाद C चलेगा, C के बाद JavaScript, jQuery चलेगा, फिर Bootstrap चलेगा, फिर डेटाबेस की पूरी क्लासेस, वो भी हम कोई भी क्लासेस, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हों, ऐसा नहीं है कि हम उसको शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, क्योंकि समर ट्रेनिंग में शॉर्टकट में लोग पढ़ाते हैं, बट हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ाते। हम हमारे यहाँ जो क्लासेस आप करेंगे उसमें हम ट्रिगर, प्रोसीजर, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो। तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो आपके लेवल से +10 ही होगा, उसमें माइनस नहीं होगा। तो अगर आप बोले कि इसमें कंटेंट के बारे में, तो जितना कंटेंट आपको टेकपाइल से मिलेगा वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। इस बात, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि अभी आने वाला है मेरा और हम कराएंगे, हम कराए हैं ऐसा, हमने पिछली बार भी कराया है और इस बार भी 100% कराएंगे, उससे बढ़ के ही कराएंगे। सो बैच सेकेंड यू कैन ज्वाइन, क्योंकि आपको सोचना होता है बहुत सारी चीजें, आई नो, बट यहाँ पे जो वीडियोज आपको मिलेंगी इसमें, देखो ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे फर्स्ट कि आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज जो आपको मिल रहे हैं, वो वीडियोज आपके पास अभी रहेंगे, अभी आपके पास बहुत दिनों तक रहेंगे वो वीडियोज। सो आप उनको बाद में भी देख सकते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। सेकेंड, आपको सर ने ये भी बताया कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग किया हुआ है और ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर चलती है, तो क्योंकि आप लोगों को या जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं उनको बेसिक वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है, तो एक 1 मंथ का एक फास्ट्रैक बैच चलता है, और उस फास्ट्रैक बैच में सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह अलग अलग बना के और एक अलग टॉपिक पढ़ा के इसको खत्म किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपने बहुत सारे जगहों पे देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट नहीं बनवाते। प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट इज लाइक अ कंक्लूजन, जिसमें हम कहते हैं ना कि ये पूरा ट्रेनिंग का सार है, अगर आपने उसको प्रोजेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, फ्रंट एंड, जितनी चीजें पढ़ते हैं वो सब हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तो एट द वन टाइम हमें सारी की सारी ट्रेनिंग वहां पे निकल के आती है।
सो प्रोजेक्ट में भी अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर स्टूडेंट को अलग अलग प्रोजेक्ट बनवा सकें, तो हम एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं, हर हर क्लास में एक अलग कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट बनवाते हैं, और वो आप सब लोग बनाएंगे और सब अपने अपने घरों सब अलग अलग बनाओगे और खुद से बनाओगे. तो यहाँ पे फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस एवरीथिंग एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड एंड आपको ये ट्रेनिंग बेहतर मिलेगी. इसको आपको सबको यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है और उस यूजर आईडी पासवर्ड से मैं बस इतना कहती हूँ आप एक बार ज्वाइन करके देखें. लाइक आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी, जो भी चीजें होंगी वो कंप्लीट होंगी और आपको बेहतर इसमें जो भी कंटेंट्स मिलेंगे वो फुल कंटेंट्स मिलेंगे. लाइक जैसा मैंने बताया ना कि उसका लेवल +10 ही होगा. तो यहाँ पे आपको जैसा ये आपका पैनल है और यहाँ से अब आपको इसको सब्सक्राइब करने के लिए फी पेमेंट यहीं से करना होता है. एंड बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर के मेथड्स एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट का भी मेथड दिया गया है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो. तो इसमें रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपीज होती है, जो आपको चाहे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 1000 दो, बाकी बाद में तो चाहे कभी भी आपको पेमेंट करना ही है. और इसमें फुल ट्रेनिंग की जो फी होती है वो 4000 रुपीज होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे मैं कहना चाहूंगी अभी 2 दिन और लेट होगा, आप HTML की क्लासेस करते रहें. जब अभी क्लास स्टार्ट होगी आप एक एक लोगों को कॉल जाएगा और बताया जाएगा. बाकी आप सब भी ज्वाइन करो, मैं ये कहूंगी आप एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको कंटेंट्स जो टेक फाइल से मिलेंगे वो बेहतर ही मिलेंगे हर हाल में. ओके, सो मेनली आप DBMS की क्लासेस, सी की क्लासेस, ये सारी क्लासेस भी चलेंगी जो फ्री की क्लासेस हैं. बट ये आई थिंक सी की क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी कम से कम 5 डेज बाद, और DBMS की क्लासेस स्टार्ट होंगी मिनिमम 10 डेज बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा. तो ये फ्री क्लासेस होंगी और ये क्लासेस होंगी आफ्टर 5 डेज सी प्रोग्रामिंग की क्लास, आफ्टर 10 डेज एटलीस्ट 10 डेज DBMS की क्लास. ओके, सो आप उसको कर सकते हैं, उसको भी आप एक बार करके देखिएगा और उसके बाद आप समझिएगा आपको चीजें बेहतर ही मिलेंगी. ओके, एंड व्हाट, अब आप पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है. पेमेंट के पेटीएम का यूज सकते हैं कि नहीं? पेमेंट के पेटीएम पे मैम मुझे कोई आईडी पासवर्ड नहीं मिला. आईडी पासवर्ड तो भाई सबको मिला है. अगर आपको आईडी पासवर्ड, पेमेंट आप पेटीएम से 100% कर सकते हो. यहाँ से आपका पेमेंट पेटीएम से होगा, यहाँ ये दिया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट नंबर पेटीएम का, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो. और आप उसमें मैसेज कर देना अपना नाम या फिर सर को स्क्रीनशॉट भेज के नाम मैसेज कर देना, आपको वो 100% रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगा. जिसको भी आईडी पासवर्ड नहीं मिली तो भाई आप कॉल करिए ना. अब आप आईडी पासवर्ड नहीं लेंगे तो कब लेंगे? देखो आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ पे कोई नहीं ले सकता आपके अलावा. तो आप खुद से, आप एक बार अगर आपका फोन नहीं उठा, 2 बार फोन नहीं उठा, आप 4 बार फोन कर लो ना, 5 बार कर लो भाई. कोई घर ले जाके तो आईडी पासवर्ड नहीं पहुंचाएगा. कितनी बार बोला है आईडी पासवर्ड ले लो, तो आईडी पासवर्ड लो. लोगों जब सामने वाले से आप पढ़ने आए हो तो परेशान करो ना, आपका हक है. ओके, ये जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 2 दिन बाद से स्टार्ट होगी. हाँ तो कॉल एक बार और कर लो ना, कॉल मैंने बताया ना एक बार. मे भी अगर आप एक बार नहीं करोगे तो वो नहीं हो सकता है रिस्पॉन्ड ना मिले यार, सॉरी. क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, क्लासेस रहती हैं या कभी फोन, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं. तो आप देख लो ना कि उस, आप एक बार और कॉल कर लो, किसी और नंबर पे कॉल कर लो. 5-7 नंबर्स आपको कंपनी से मिले होंगे, कर लो. आप जैसा मैंने बताया ना आपका वो है. डायरेक्ट मैम न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक से फी पे करेंगे या फिर डायरेक्ट पैनल से अपने? देखो एक सेकेंड मैं बता रही हूँ आपको. अगर आप आपका कॉल, आप रिसीव करो. हाँ रिसीव करूंगी. ओके, तो देखो आप अपने पैनल से अगर यहाँ से आप पेमेंट करोगे तो भी वो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो हमें हमें पता चल जाता है. जैसे ये पेमेंट का डैशबोर्ड है, हमें पता चल जाता है चाहे आप कहीं से भी करोगे, उसमें आपका नाम, कॉलेज नेम सब लिख के आता है. अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको पूरा फॉर्म पहले से फिल नहीं करना पड़ेगा,
यहाँ पे बस आपको अमाउंट और मोबाइल नंबर इनपुट करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट वाले से करोगे लाइक techpile.in/register से, तो वहां पे भी आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलेज नेम सब आ जाएगा। तो आप कहीं से भी करो, इट्स डजंट मैटर। एंड हाँ, तो जो आपकी नेक्स्ट, अब क्योंकि सी की क्लास एक हमारी चल रही है पहले से फर्स्ट बैच में, तो एक साथ तीन तीन चार चार नहीं पढ़ा सकते। सो जब वो खत्म हो जाएगी, अभी जो आपका सेकेंड बैच चलेगा उसमें भी स्टार्टिंग की क्लासेस सी की ही क्लासेस होंगी। और नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी सी की फ्री क्लासेस, वो भी जल्दी स्टार्ट होंगी, तो वो आपको बताया जाएगा। तो जो पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें सी ही पढ़ाया जाएगा। ये HTML के बाद ये वाला बैच बंद हो जाएगा फ्री वाला, तो मे बी कोई नेक्स्ट स्टार्ट हो। और उसके बाद जब आपका ये जितने भी पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको वहीं से मिलेगा। पेमेंट करना पड़ेगा 2000। सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है हर स्टूडेंट को पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। तो मिनिमम 1000 पेमेंट करना पड़ेगा आपको। क्लासेस कब से शुरू होंगी बैच टू की? क्लासेस जल्दी शुरू होंगी बैच टू की आफ्टर 2 days। और उसमें HTML भी फिर से पढ़ाया जाएगा। जितने स्टूडेंट्स की ये क्लासेस जो डेमो क्लासेस नहीं कर पाए थे और स्टार्टिंग से नहीं कर पाए थे, तो वहां पे आपका UI की क्लासेस भी चलेंगी। और ये क्लासेस चलेंगी, मिनिमम चलेंगी अभी तो, ठीक है। सो आप सब ज्वाइन करो। देखो जो जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और क्योंकि इस टाइम पे आप अपने पूरे जैसे 3 years का आपका ये डिप्लोमा होता है, 4 years का बीटेक होता है, तो इसमें आपने पढ़ाई कितना है, आपने पढ़ा है कितना, सपोज टू आपके 2 साल तो कोरोना ही रहा, तो आपने 2 साल पढ़ा, या जिसका डिप्लोमा है उसने 1 साल अच्छे तरीके से पढ़ा, तो और वो भी फर्स्ट ईयर में, ऐसा लगता है कि यार अभी अभी तो पढ़ने आए हैं, थोड़ा मस्ती करना चाहिए। तो भाई देखो, जो पढ़ता नहीं है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर कुछ करना है तो इसका एक ही सिंपल सा मेथड है ना, पढ़ना। अगर आप पढ़ नहीं पाए तो इसका मतलब आप कुछ कर नहीं पाओगे, सिंपल है। क्योंकि आपको पूरा लगे अच्छा लगे, इट डजंट मैटर, फैक्ट है। क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं पाए हो, अगर क्योंकि आपकी नौकरी तो नहीं जानती ना कि 2 साल बीच में कोरोना था, है ना, तो आपको अगर नौकरी मिलेगी तो वो आपके नॉलेज पे, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो फिर ये आपकी गलती है। तो पढ़ने का कोई ना कोई तरीका तो है ही, कॉलेज नहीं चल रहा है, कॉलेज की क्लासेस नहीं चल रही, ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हो और आपको 100% अच्छा सीखने को मिलेगा। आफ्टर द क्लासेस, आफ्टर ट्रेनिंग, अगर फिर भी आपको लगे कि आपने जितना पेमेंट किया वो ज्यादा था, या फिर आपको जितना सिखाया गया वो कम था, तो आप एक बार मिल लीजिएगा। या फिर अगर जितना पढ़ाया गया आपने रेगुलर क्लासेस किया और उसके बावजूद भी आप सीख नहीं पाए, तो आप एक बार मिल लीजिएगा, आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। यहाँ पे हम फीस के लिए ज्यादा वो नहीं करते, सिर्फ ये चीजें हैं कि हम जितना पढ़ा रहे, जितना कंटेंट दे रहे हैं, उसमें हमारा मैनेजमेंट हो जाए, इट्स गुड। तो आप एक बार करके देखो, आप लोग को अच्छा ही सीखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आप लोग भी ज्वाइन करो। और आप जैसा मैंने बताया ना कि समर ट्रेनिंग तो सबके लिए जरूरी है, क्लास के हिसाब से भी जरूरी है, सिलेबस के हिसाब से भी जरूरी है, और साथ ही साथ अब तो बिल्कुल ही जरूरी है। तो ओके, तो आप लोग सब लोग ज्वाइन करो, 2 से 3 दिन का जो है टाइम है आपके पास। और ये क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो सारे पेड स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। इसमें सी की क्लासेस पहले चलेंगी और HTML की क्लास जो चल रही है वो चलती रहेगी, बाकी फिर बाद में सी के बाद में एक और क्लास स्टार्ट होगी, जिसका छूटा है उसका रिवीजन सेशन भी होगा, और मतलब मेन क्लासेस भी चलेंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास। सर आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट HTML, और आप सब लोग के लिए अभी 2 दिन या 3 दिन का टाइम है, ट्राई कि आप एक बार ज्वाइन करें। ओके, क्या बोल रहे हो आप, कहां से पढ़ी हैं? जाने दो, हमारा इतिहास जान के क्या करोगे, है ना, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो ये तुम हमें बताना, हमारे लिए जरूरी है, हमारा इतिहास तुम जान के क्या कर लो।
तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? क्लासेस कर रहे हो? टास्क वगैरह कर रहे हो? एक बार चेक कर लिया जाए टास्क असाइनमेंट जो कल दिया गया था? क्यों, आपने असाइनमेंट किया? यस सर, यस सर, यस सर, कल वाला नहीं किया है। कितना टाइम चाहिए असाइनमेंट करने के लिए बताओ? किया है मैंने, ठीक है, यस सर, पूरा कर लिया है, सारा हो गया है, कंप्लीट हो गया है सर। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग लगी है? कोई नहीं, चल ठीक है। तो जितने स्टूडेंट की क्लासेस छूटे हैं या फर्स्ट क्लास है या कुछ क्लासेस छूटे हैं वो आप वीडियो से देख सकते हो, यूजर आईडी पासवर्ड मिली होगी आपको, ठीक है। हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा टास्क तो कंप्लीट कर लेना सौरभ, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आपको मैसेज गया होगा, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएसएस, जिसका इंतजार था वो टाइम आ गया है सीएसएस पढ़ने का, है ना। आईडी पासवर्ड स्टडी, आरती सानी प्लीज सर। क्या आरती, क्या बता रहे हो आप? सर एक चीज बता दीजिए, क्या बता दूं बताओ। बताओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आईडी पासवर्ड नहीं आया है मेल पे। जिसको भी आईडी पासवर्ड नहीं मिली है आप मुझे अपने अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी मुझे व्हाट्सएप करें तो तुरंत आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएसएस। सीएसएस का यूज क्यों करते हैं आप बताओ एक बार, सीएसएस का यूज क्यों किया जाता है बताओ। सर 19 की रिकॉर्डिंग नहीं आई है अभी, क्यों? पैनल पे अपलोड तो किया गया है, कल का वीडियो पैनल पे मिला है कि नहीं मिला है बताओ। कल का वीडियो पैनल पे अपलोड किया गया है कि नहीं किया गया है? क्यों? वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कोडिंग। बताओ, वीडियो कल का अपलोडेड नहीं है क्या? आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? हो सकता है प्रॉब्लम अपलोड करने में प्रॉब्लम हो गया हो। कल का वीडियो पैनल पे नहीं है बताओ, किया गया है, ठीक है। HTML आपने देखा, एक मिनट, किया गया है आप लोग, एक मिनट, तो CSS का आपने यूज बताया। CSS का यूज हम लोग करते हैं HTML एलिमेंट, यानी कि HTML टैग। HTML अभी तक क्या आपने केवल सिंपल HTML पढ़ा है, यानी कि बहुत सारे आपको हमने फॉर्म डिजाइन करने के लिए दिए थे तो उसमें आपने सिंपल एक फॉर्म दिया गया था जिसमें आप केवल कंट्रोल्स का यूज किए थे, बहुत किए थे, तो टेबल के अंदर उसको आपने अलाइनमेंट सेट कर लिया था। लेकिन अगर वही आप फॉर्म CSS का यूज करके बनाते हो तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। आप उसमें डिजाइन लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बॉक्स शैडो दे सकते हो, है ना। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, किसी एचटीएमएल एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए, एचटीएमएल एलिमेंट का मतलब कोई टैग, किसी भी टैग को स्टाइल लगाने के लिए आप सीएसएस का यूज करते हो। सीएसएस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सीएसएस किसी टैग पे स्टाइल सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस का काम क्या है? वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना। अगर मैं बात करूं किसी भी फॉर्म की, आपको बहुत सारे फॉर्म डिजाइन करने के लिए दिए गए थे ना, आपको बहुत सारे फॉर्म डिजाइन करने के लिए दिए गए थे। अगर मैं बात करूं इसी की, लॉगिन की, तो ये आपको लॉगिन फॉर्म आपने भी बनाया होगा, आपको टास्क मिले होंगे, तो एक सिंपल आपने फॉर्म्स वगैरह यूज किया गया होगा।
आपने किया होगा, तो वहां पे क्या था कि एक सिंपल आपने फॉर्म बनाया था, लेकिन ये भी तो एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है कि नहीं, ये भी एक फॉर्म है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप पासवर्ड है और बटन है इनपुट टाइप सबमिट है, और एक आपने भी बनाया था इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप सबमिट, तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये विथ सीएसएस एक ये लॉगिन फॉर्म है, वो आपने जो बनाया था जो इससे पहले जो टास्क किया था वो विदाउट सीएसएस था, तो आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सीएसएस का यूज किया गया है तो पेज थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अगर बात करो तो टेक्स्ट बॉक्स ये भी है, लेकिन देखो इसके बाहर बाहर ये राउंडेड आ रहा है, बटन का कलर चेंज कर दिया गया है, माउस ले जाने पे इसका कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है भाई, ये सब कुछ पॉसिबल है सीएसएस से। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे जब वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो लोडर चल रहा है और लिख के आ रहा है टेक्पाइल लोडिंग, है ना। ये कैसे पॉसिबल है, ये सीएसएस से पॉसिबल है, एनिमेशन आपको बताऊंगा मैं। फिर आगे अभी वेबसाइट ओपन होगी तो देखना, टेक्पाइल एलकेओ ओपन किया, देखो अब ये वेबसाइट आ रहा है, ये वेबसाइट आया है तो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे माउस ले जा रहे हो, ये बटन सेट किया गया है और स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखो बटन यहीं पे फिक्स है कि नहीं है, ये बटन, ये जो बटन लगे हैं स्क्रॉल करने पे यहीं पे बटन फिक्स है, इस पे माउस ले जाने पे कलर चेंज हो रहा है, इस पे बॉक्स शेडो आ रहा है पीछे, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से पॉसिबल है। पोजीशन प्रॉपर्टी से हम लोग इसको टॉप में सेट कर सकते हैं, पोजीशन फिक्स देना पड़ता है बहुत सारी, यहाँ पे देखो वेरीफाई सर्टिफिकेट का एक बटन टाइप का एक डिविजन हमने बनाया है और इसके ऊपर इसको रोटेट कर दिया है, पोजीशन इसका सेट कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये एचटीएमएल से क्या पॉसिबल था, आप ऐसा कर सकते थे, नहीं, ये इसके लिए सीएसएस से आप कर सकते हो। यानी कि देखो एक डिवीजन, एक बॉक्स बनाया गया है, उसको रोटेट किया गया है, उसको ऊपर यूज किया गया, यानी कि उसके पीछे भी उसके लेयर्ड वाइड नीचे वेब पेज है उसके ऊपर दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं सीएसएस में, बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। अगर बात करो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं, बॉक्सेस बनाने के लिए ड्यू टैग का यूज किया गया है, अगर इस पे माउस कर्सर ले जाओ, देखो जब माउस कर्सर ले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, जूम हो रहा है, उसके पीछे ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्स शेडो आ रहा है ना, उस पे जब माउस ले जा रहे हो तो उसका कलर चेंज हो जा रहा है, उसके पीछे बॉक्स शेडो आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ सीएसएस से पॉसिबल है, आप एचटीएमएल से नहीं कर सकते हो। अगर मैं स्क्रॉल करके आऊं, यहाँ पे स्क्रॉल करके आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं और जैसे मैं बॉक्स पे माउस ले जा रहा हूं तो स्लोली ये जूम कर रहा है, जूम तुरंत नहीं कर रहा है, स्लोली जूम कर रहा है, इसके पीछे देखो जूम कर रहा है, और बहुत ध्यान से देखोगे तो इसके बैकग्राउंड में एक इमेज स्लाइड कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो बैकग्राउंड में एक इमेज स्लाइड कर रहा है और उसपे शैडो आ रहा है, तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, यानी कि किसी एचटीएमएल एलिमेंट को, किसी एचटीएमएल टैग को आपको स्टाइल सेट करना है तो आप सीएसएस का यूज करते हो। सीएसएस का काम क्या है, सीएसएस का काम ये है कि आपका एचटीएमएल टैग ब्राउजर पे कैसा दिखना है ये डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, सीएसएस का यूज करता है, यानी कि सीएसएस क्या डिस्क्राइब करता है, सीएसएस ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि आपका जो एचटीएमएल टैग आपने अभी तक के यूज करा था वो आपका वो टैग ब्राउजर पे किस टाइप से दिखना है, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये डिफाइन करता है सीएसएस। समझ आया क्यों, यानी कि किसी भी टैग को स्टाइल सेट करने के लिए, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए, बॉक्स शैडो लगाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए आप सीएसएस का यूज करते हो, है ना। तो अब हम बात करें कि सीएसएस में हमको पढ़ना क्या है, जैसे आपने एचटीएमएल में पढ़ा था तो एचटीएमएल में क्या पढ़ते थे आप, एचटीएमएल में हमें जब एचटीएमएल पढ़ते हैं तो एचटीएमएल में हमें बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि हमें इमेज लगाना है तो कौन सा टैग यूज करते हैं, वीडियो इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग यूज करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कौन सा टैग यूज करते हैं। यानी कि एचटीएमएल जब आप पढ़ रहे थे तो अभी भी एचटीएमएल खत्म नहीं हुआ है, एचटीएमएल के बहुत सारे टैग अभी हम लोग कवर करेंगे। तो एचटीएमएल जब आप पढ़ते हो तो एचटीएमएल में बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ते हो कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही जब सीएसएस आप पढ़ोगे तो सीएसएस में हमें सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होता है,
कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रोटेट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको टाइम डिले देना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एनिमेशन लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सीएसएस में आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ता है ना। तो चलो आते हैं सीएसएस पे आते हैं। पहले सीएसएस का फुल नेम क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल से। हाँ, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सीएसएस, सीएसएस को किसने डेवलप किया था, क्यों यूज करते हैं। सीएसएस का फुल नेम होता है सीएसएस, सीएसएस सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल। एक मिनट, इसको मैं बॉक्स को हटाता हूं। कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, यानी कि इसी का शॉर्ट नेम क्या है, सीएसएस। सीएसएस का काम क्या है, सीएसएस, सीएसएस क्या डिस्क्राइब करता है, सीएसएस डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स, हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन और ब्राउजर, ब्राउजर। है ना, यानी कि सीएसएस क्या डिस्क्राइब करता है, सीएसएस डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी कि आपका एचटीएमएल, एचटीएमएल एलिमेंट का मतलब एचटीएमएल टैग, आपका एचटीएमएल टैग ब्राउजर पे कैसा दिखना है, स्क्रीन पे कैसा दिखना है, वो सीएसएस डिस्क्राइब करता है। सीएसएस का ऐसे ये भी लिख सकते हो कि सीएसएस, सीएसएस इज यूज टू सेट स्टाइल, used to set style to the HTML element, यानी कि HTML element का मतलब tag, किसी भी tag पे style set करने के लिए आप क्या use करते हो, CSS का use करते हो। CSS को introduce किसने किया था, CSS इंट्रोड्यूस बाय हैकन व्यूम ली इन 1994, जब HTML इंट्रोड्यूस हुआ था तभी HTML को भी CSS को भी बनाया गया था, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि CSS क्यों यूज करते हैं, उसका फुल नेम क्या होता है, क्या मैसेज कर रहे हो मैं एक बार देखूं। सर जी मेरे फोन में बैटरी जाने वाली है इसलिए हम लीप कर रहे हैं, ठीक है लीप कर लीजिए, बैटरी अगर पॉसिबल हो तो चार्ज लगा लीजिए भाई, ठीक है कनक। हाँ चलो, तो आपने देखा ये सीएसएस क्यों यूज करते हैं, सीएसएस का काम क्या है, और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस, टाइप्स या वेज टू इंसर्ट सीएसएस इन वेब पेज, यानी कि वेब पेज में सीएसएस इंसर्ट करने के कितने तरीके हैं, उसके वेज क्या क्या हैं। पहला है एक्सटर्नल सीएसएस, अभी हम लोग देखेंगे, रुको, एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। दूसरा है इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। तीसरा है इनलाइन सीएसएस, तीनों सीएसएस देखेंगे, इनलाइन सीएसएस, है ना, इनलाइन सीएसएस।
तो पहले आपको ये क्लियर हुआ कि क्यों यूज करते हैं सीएसएस, ये इतना आपको पता हुआ कि सीएसएस क्यों यूज करते हैं आपको पता हुआ, क्यों क्लियर है? थ्री टाइप्स, चलो एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, ये क्या है बिल्कुल आप परेशान ना हो, आपको समझ आ जाएगा। आप इतना समझो कि सीएसएस का यूज करते हैं किसी एचटीएमएल एलिमेंट को, सीएसएस यानी कि किसी एचटीएमएल एलिमेंट को आप स्टाइल सेट करने के लिए सीएसएस का यूज करते हो। किसी एचटीएमएल टैग पे आपको स्टाइल लगाना है, यानी कि स्टाइल का मतलब कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, बॉर्डर रेडियस लगाना है, राउंडेड बनाना है, बॉक्स शैडो लगाना है, माउस ले जाने पे उसको जूम करना है, माउस ले जाने पे रोटेट करना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीएसएस रिस्पॉन्सिबल है ना, सीएसएस रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम लोग देखते हैं, चलो सीएसएस का यूज कैसे करते हैं देखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे, आपने देखा कि सीएसएस लिखने का तीन तरीका है, वेब पेज में सीएसएस इंसर्ट करने का तीन तरीका है, कौन कौन से? एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। तो फर्स्टली हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, अगर दूसरा वाला आपको पहले देखोगे तो आपको ये और ये इजीली तरीके से समझ आ जाएगा, है ना। तो हम लोग आते हैं एक छोटे से छोटे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, छोटा एक वेब पेज पे और सीएसएस इंसर्ट करते हैं। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको देखो इतने प्रोग्राम बना चुके हो तो आपको पता हो गया होगा, है ना, HTML और हेड सेक्शन, हेड सेक्शन, हेड सेक्शन की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन और बॉडी की क्लोजिंग, ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग आते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आए HTML नाम का फोल्डर बनाया था, HTML v1, इसको सेव कर लेते हैं। Demo 30 मैंने कोड कल शायद अपलोड किया था पैनल पे, आप लोगों ने डाउनलोड करा था कोड, मैंने अपलोड किया था, है ना। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी H1 टैग, क्या करते हैं H1 टैग लेते हैं और इसमें हमने लिखा वेलकम, वेलकम टू टेकपाइल, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। तो ऐसा हमने टेक्स्ट लिखा है। अब ये बताओ आप कि इस टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर, टेक्स्ट का कलर क्या होगा और बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होता है? आपको पता है आपने इतने पेज बनाए हैं तो टेक्स्ट का कलर यानी कि टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर यानी कि इसका बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होगा? क्यों बताओ? ब्लैक, टेक्स्ट का कलर ब्लैक और बैकग्राउंड का कलर व्हाइट। अब आपने कलर को चेंज करने के लिए HTML में थोड़ा सा आपके पास लेंथी प्रोसेस था, यानी कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना था, तो आपको मैंने एक टैग बताया था रिप्लाई करो, क्या यूज करते थे? क्यों? एक बताओ आप, वेरी गुड, तबने बताया कि फॉन्ट टैग, फॉन्ट में कलर एट्रीब्यूट था, ठीक है। तो आप किसी भी टैग पे, किसी भी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना था तो आप उससे टेक्स्ट से पहले क्या लगाते थे? फॉन्ट टैग लगाते थे, उसमें कलर एट्रीब्यूट यूज करते थे, है ना। तो वो चीजें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना था तो बीजी कलर यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सीएसएस यानी कि सीएसएस का यूज करके आपको स्टाइल लगाना है। हम चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो H1 टैग हमने बनाया है इसका हमें क्या करना है कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है यूजिंग CSS। तो अभी हम लोग यूज करेंगे पहला CSS हम लोग देखने वाले हैं कौन सा? पहला CSS देखने वाले हैं इंटरनल CSS। पहले हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं ताकि आपको अगर ये समझ आएगा तो अच्छे से आपको एक्सटर्नल भी समझ आएगा और इंटरनल भी, इनलाइन भी समझ आएगा। तो हम लोग आते हैं, फर्स्टली हमको देखना है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस देने का सिंटैक्स क्या होता है? देखो इंटरनल सीएसएस का मतलब हम लोग इंटरनल सीएसएस यहाँ पे देखते हैं, इंटरनल सीएसएस देते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है? आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास बताया था तो आपको एक स्टाइल टैग लिखवाया था, बताया था कि स्टाइल टैग कहां कहां किस किस सेक्शन में यूज कर सकते हो। बताओ पहली क्लास में आपको हमने हेड सेक्शन के कुछ 8 टैग बताए थे। अब उसमें एक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्यों वॉइस क्लियर नहीं मिल रही आपको? बताओ
हेड टैग, हेड आपको मैंने 8 टैग लिखवाए थे हेड सेक्शन के अंदर जो यूज किए जाते हैं। अब उसमें एक टैग था स्टाइल टैग, उसको दोनों सेक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हो, हेड सेक्शन में भी और बॉडी सेक्शन में भी। तो इंटरनल इंटरनल सीएसएस देने के लिए पहले तो हमें लिखना पड़ता है, यूज करना पड़ता है क्या, स्टाइल टैग। सिंटैक्स देखो क्या है, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग। और इस स्टाइल टैग के अंदर आपको बहुत सारे सीएसएस लिखे जाते हैं, यानी इंटरनल सीएसएस देना है तो फर्स्टली आपको यूज करना पड़ेगा स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग के अंदर इसका सिंटैक्स क्या है देने का, अगर सीएसएस की मैं बात करूं, सिंटैक्स क्या है इंटरनल सीएसएस देने का, तो स्टाइल, स्टाइल के बाद आपको यूज करना पड़ता है सेलेक्टर। अब ये आप कहोगे कि सेलेक्टर क्या है, अभी मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहाँ पे सेलेक्टर, सेलेक्टर, ये सेलेक्टर क्या होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूं। सेलेक्टर इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्टर, और उसके बाद यूज करते हैं क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। उसके बाद हम लोग आपको मैंने बताया कि सीएसएस में भाई आपको क्या पढ़ना है, सीएसएस में पढ़ना है आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी, कि आप किस प्रॉपर्टी का यूज करके आप कौन सा सीएसएस लगाओगे। तो वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब अभी समझ आएगा, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान ना हो। प्रॉपर्टी कॉलन और वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब यहाँ पे एन नंबर आप प्रॉपर्टी वैल्यू यूज कर सकते हो एक साथ, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, बॉक्स एडो अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट एडो अप्लाई कर सकते हो, होवर लगा सकते हो, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आप एक साथ डिफाइन कर सकते हो। यानी कि जितनी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है आप इसमें एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया प्रॉपर्टी वन वैल्यू वन, प्रॉपर्टी टू वैल्यू टू, जितने भी आपको प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करने हैं आप कर सकते हो। क्या अब ये बात आती है कि क्या हर हर प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या मैं लाइन को ब्रेक करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी न्यू लाइन पे सीएसएस लिख सकते हो, या तो आप ये सारा सीएसएस, सारी प्रॉपर्टी वैल्यू एक भी लाइन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि हर प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद, हर प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद यहाँ पे क्या यूज करोगे, सेमी कॉलन का यूज करोगे। अगर सेमी कॉलन यूज नहीं करा है लाइन को टर्मिनेट करने के लिए तो नेक्स्ट वाला सीएसएस अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो था सिंटेक्स। अब बात करते हैं कि ये सेलेक्टर क्या है भाई, ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये वैल्यू क्या है। तो चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये बताओ कि बॉडी सेक्शन में आपने तो केवल एच वन टैग यूज किया है, आपने अभी एच वन टैग यूज किया है। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी सेक्शन के अंदर मल्टीपल टैग हो सकते हैं, एच वन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, बी टैग भी हो सकता है, यूएल टैग भी हो सकता है, आईएनजी टैग भी हो सकता है, वीडियो टैग भी हो सकता है, एच वन मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि किस टैग को इसमें सीएसएस देना है, बॉडी सेक्शन के अंदर कौन से टैग को सीएसएस देना है, कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे हम सीएसएस अप्लाई करेंगे भाई, कि हमें एच वन को सीएसएस देना है, कि हमें डिवीजन टैग को सीएसएस देना है, कि हमें बी टैग को सीएसएस देना है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे टैग हैं, आपने केवल एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हो एच वन का, इसमें हो सकता है कि मल्टीपल टैग हो, तो कैसे आप ब्राउजर को बताओगे कि हमें पर्टिकुलर एच वन पे ही ये सीएसएस लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेलेक्टर का यूज करते हैं। यानी कि सेलेक्टर का काम क्या है कि जिस भी एलिमेंट पे स्टाइल सेट करना होता है उसको सेलेक्ट करने का काम सेलेक्टर करता है ना। यानी कि H1 टैग है तो हम यहाँ पे H1, यहाँ पे बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो सेलेक्टर का काम क्या है, HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना, किस लिए, स्टाइल सेट करने के लिए। तो सेलेक्टर अब बहुत सारे होते हैं, अभी बहुत सारे सेलेक्टर भी हम लोग देखेंगे। तो सेलेक्टर का काम क्या है, सेलेक्टर, सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट HTML टैग या एलिमेंट, HTML टैग या एलिमेंट, एक मिनट कहां गया कर्सर, यहां पे टैग या एलिमेंट टू सेट स्टाइल, टू सेट स्टाइल कह सकते हो, सिंपल था।
यानी कि सेलेक्टर का काम है, सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एचटीएमएल टैग टू सेट स्टाइल, यानी कि स्टाइल सेट करने के लिए सेलेक्टर का काम क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करना। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, सेलेक्टर के बहुत सारे टाइप होते हैं, हम लोग एक एक को कवर करेंगे। पहला होता है मान लो आप टैग सेलेक्टर, क्या होता है टैग सेलेक्टर देखेंगे, आगे देखेंगे आईडी सेलेक्टर देखेंगे, तीसरा देखेंगे क्लास सेलेक्टर है ना, चौथा देखेंगे हम लोग ग्रुप सेलेक्टर एक एक करके देखेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, पांचवा देखेंगे कंपाउंड सेलेक्टर, छठा यूनिवर्सल सेलेक्टर, है ना, ऐसे ही पोसीडो सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं जो हम लोग आगे कवर करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं जो कि बहुत सारे सेलेक्टर हम लोग, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, ऐसे पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर भी होता है, है ना, ऐसे ही और भी सेलेक्टर होते हैं जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। तो टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, कंपाउंड सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, इतने सेलेक्टर हैं, है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर तो यहां पे आते हैं। अब टैग सेलेक्टर में क्या होता है, टैग सेलेक्टर में होता है कुछ ऐसा कि यहां पे पहले तो आपको बताया मैंने, यहां पे सिंटैक्स क्या बताया है कि आपको इंटरनल सीएसएस देने के लिए आपको टैग यूज करना पड़ता है क्या, स्टाइल, उसके बाद सेलेक्टर, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद वैल्यू। चलो आते हैं, अब यहां पे आते हैं, आपको इंटरनल सीएसएस देना है तो इंटरनल सीएसएस देने के लिए कौन सा टैग आपको बताया, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग चलो हमने यूज कर लिया। अब ये स्टाइल टैग केवल हेड सेक्शन में ही लिख नहीं सकते हो, आप दोनों सेक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो, तो हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों में अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहां पे लिखा, यहां पे हमने लिखा, अब देखो हम यूज करने जा रहे हैं टैग सेलेक्टर, यहां पे इस सेलेक्टर के जगह पे मैंने बताया कि यहां सेलेक्टर के जगह पे कोई भी सेलेक्टर हो सकता है, जितने सेलेक्टर हमने लिखवाए हैं यहां पे, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, कंपाउंड सेलेक्टर, अभी एक एक सेलेक्टर हम लोग करके यूज करके देखेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्टर के जगह पे कोई भी सेलेक्टर हो सकता है। तो अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं पहला वाला सेलेक्टर, कौन सा सेलेक्टर टैग सेलेक्टर अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो टैग सेलेक्टर में क्या होता है कि जिस भी टैग को सीएसएस देना होता है, हमें किस टैग को सीएसएस देना है, जिस भी टैग को सीएसएस देना होता है उस टैग का नाम हम लोग यूज करते हैं, टैग के नेम के बेस पे सीएसएस देते हैं, यानी कि आपको उसके साथ कोई भी सिंबल नहीं यूज करना होता है, जिस भी टैग को सीएसएस देना होता है उस टैग का नाम लिखते हैं। ये कौन सा सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर है टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर में टैग के नेम के बेस पे सीएसएस दिया जाता है, टैग के नेम के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है उसको, यानी कि हमने यहाँ पे H1 टैग को सीएसएस देना था तो H1 लिख दिया, आपको B टैग को सीएसएस देना होता तो B लिख देते, आपको IMG टैग को सीएसएस देना होता है तो IMG लिखते, लेकिन उसके साथ कोई सिंबल यूज किया जा रहा है क्या, नहीं यूज किया जा रहा है। अगर आगे आप देखोगे तो आईडी के बेस पे, आईडी के नेम के बेस पे आप सेलेक्ट करना है तो हैश सिंबल उसके आईडी के साथ हैश सिंबल यूज करते हो, क्लास के बेस पे सेलेक्ट करोगे तो आगे देखोगे डॉट सिंबल का यूज करेंगे, लेकिन अगर आईडी टैग सेलेक्टर में क्या होता है कि टैग के नेम के बेस पे सीएसएस देना होता है तो आप क्या यूज करते हो, टैग का नाम, उसके साथ कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे। अगर बताओ यूएल टैग को सेलेक्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, है ना, यूएल टैग को सीएसएस देना है तो आप केवल कोई भी सिंबल यूज नहीं करोगे, केवल उस टैग का नाम यूज करोगे। चलो तो सेलेक्टर ये है टैग सेलेक्टर। अब इसमें आते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया कि सीएसएस में बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर प्रॉपर्टी, मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करने की बात करूं, टेक्स्ट की कलर की मैं बात कर रहा हूं, बैकग्राउंड नहीं, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या है, ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है और इसको टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो प्रॉपर्टी सीएसएस में प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, कलर, यानी कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी है। अब वैल्यू, कॉलन आपको लगाना है, सिंटेक्स में मैंने बताया था कि कॉलन लगाना है स्टार्ट करने के लिए और लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज करोगे, और उसके बाद कलर को चेंज करना है, मैंने कर दिया कलर, आप अपने हिसाब से कलर की वैल्यू दे सकते हो, हमने दे दिया पर्पल।
पर्पल कलर और उसके बाद सेमी कॉलन यूज किया, रन कराते हैं। देखो इतना सीएसएस, केवल अभी एक सीएसएस डिफाइन किया है और रन कराते हैं। इस पेज पे आते हैं जहां पे भी हमने रखा है, डेस्कटॉप पे रखा था, H1 HTML डेस्कटॉप पे रखा था ना, यहीं से ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है तो देखो ओपन किया और ये कलर आपका, थोड़ा सा मैं कंट्रोल प्लस करके जूम कर देता हूं। तो टेक्स्ट का कलर आपने सीएसएस से चेंज किया, टेक्स्ट का कलर आपने कर दिया क्या, आपने कर दिया पर्पल। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब बात करते हैं कि हर प्रॉपर्टी के लिए आप दूसरे, मैंने सिंटेक्स में क्या लिखवाया है कि हर प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप न्यू लाइन पे लिख सकते हो, या तो एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलो हम लोग आते हैं और नए पेज पे, सॉरी न्यू लाइन पे आते हैं, और हमने मान लो बॉर्डर लगाना है, इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है, सीएसएस 2 की प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड हाइफन कलर। इससे भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, जो आप एचटीएमएल में एट्रीब्यूट कौन सा यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, आप बीजी कलर यूज करते थे, वही काम हमें यहाँ पे सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, या सीएसएस 3 की प्रॉपर्टी है क्या, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड हमने कर दिया पिंक, और उसके बाद ये, अब सेमी कॉलर। अब देखो इसका कलर चेंज होके आया क्या, पिंक कलर आया, ठीक है पिंक कलर आया। अब हम चाहते हैं कि इस पे बॉर्डर लगाना, चारों तरफ इसके बाहर बाहर एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर के लिए क्या यूज करोगे, बॉर्डर के लिए यूज करते हैं सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी है बॉर्डर। तो मैंने बताया ना कि ये सब क्या है, सीएसएस की प्रॉपर्टी है। जैसे एचटीएमएल में आप टैग के बारे में पढ़ते थे कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही सीएसएस में हमको ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हमको कलर लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट पे शैडो देना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें आप बहुत सारे सीएसएस की नई प्रॉपर्टी आपको सीखने को मिलने वाला है। तो बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है, और बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए आपको तीन वैल्यू इसमें पास की जाती है। पहला होता है बॉर्डर का थिकनेस, कि बॉर्डर का थिकनेस क्या होगा, जो बॉर्डर देते दोगे आप, उस बॉर्डर की मोटाई, उसकी थिकनेस क्या होगी। तो हमने दे दिया 10 पिक्सल, अभी 10 पिक्सल दिया है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूं। बॉर्डर का थिकनेस, उसके बाद डिफाइन करते हैं बॉर्डर का टाइप, किस टाइप का बॉर्डर होगा, इसकी 5 वैल्यू आप पास कर सकते हो। मैंने किया सॉलिड, सॉलिड टाइप का ही बॉर्डर दिया, और उसके बाद कलर डिफाइन करते हैं। कलर आप जो भी चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो, हमने कलर दे दिया पर्पल। अब 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल किया, 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल रन कराया, और देखो कुछ बॉर्डर ऐसा आया है ना, बॉर्डर चारों तरफ आया और कुछ इस टाइप का आया। अब ये इसका थिकनेस, ये क्या है, ये थिकनेस है, बॉर्डर का थिकनेस है, कितना आप बॉर्डर देना चाहते हो। मैंने कर दिया 15 पिक्सल, तो बॉर्डर का थिकनेस और भी बढ़ गया, देखो 15 थोड़ा सा और मोटा हो गया। अब बात करते हैं बॉर्डर का टाइप, ये सॉलिड आपने देखा, सॉलिड देखा, सॉलिड के बाद हमने कर दिया डबल टाइप का बॉर्डर। आप नोट कर सकते हो, नोट करते रहो, है ना, कितने वैल्यू पास करते हैं नोट कर लेना आप, ये टेस्ट में पूछा भी जा सकता है। तो हमने डबल, है ना, एक देखा आपने सॉलिड 15 पिक्सल सॉलिड पर्पल, 15 पिक्सल डबल और पर्पल। अब देखो ये जो बॉर्डर आ रहा है डबल टाइप का आ रहा है। अब मैं बात करूं डॉटेड टाइप का बॉर्डर लगाना है, तो आप कर सकते हो डॉटेड, डॉटेड और डॉटेड कर लिया, तो ये बॉर्डर डॉटेड टाइप का आ गया। तीन वैल्यू देखा, सॉलिड डबल डॉटेड एंड फोर्थ वैल्यू है डैश्ड, है ना, क्या है डैश्ड, डैश्ड। अब देखो ये बॉर्डर डैश 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 करके आएगा, देखो इस टाइप का बॉर्डर आया। फिफ्थ वैल्यू है क्या है, ग्रुप, ग्रुप क्या है, ग्रुप, ग्रुप, है ना।
तो सॉलिड सॉलिड डॉटेड डबल डैश एंड ग्रुप, कितने टाइप्स के बॉर्डर है भाई? बॉर्डर का टाइप क्या है? सॉलिड डॉटेड डबल डैश एंड ग्रुप, ग्रुप किया तो देखो इस टाइप का कुछ बॉर्डर लग के आ गया, ठीक है ना? फाइव टाइप। चलो नोट कर रहे हो कि नहीं? नोट कर रहे हो ना सभी लोग? सीएसएस नोट कर रहे हो? नोट दिखाओ एक बार, जो भी हमने नोट कराया नोट दिखाइए, एक मिनट। अजय, अजय मौर्य, आत्मदेव, डेल, सगुन, रुपेश, शिल्पा, चलो बहुत बढ़िया, अश्वनी, गीतांजलि, रिया कशोदन, प्रीति, अंजलि, सुप्रिया सिंह, ठीक है, मोनिका, संध्या, मनोज, तुलिका, अपराजिता, अंशिका, सालू, नेहा, शिवांगी, नीतू, शुभम, निकिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ऐसे ही देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारिका, कोमल, मुस्कान, कोमल, ठीक है। चलो आते पेज पे आते, तो ये आपने देखा। अब इसी में एक प्रॉपर्टी और भी देखने, एक प्रॉपर्टी और भी देखने हैं। जैसे हमें क्या करना है, टेक्स्ट जो आ रहा है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। इट्स माय फर्स्ट क्लास और अर्जुन, हाँ अर्जुन, अगर आपका ये पहला क्लास है तो आप पुराने वीडियो प्लीज देखना, तब आपको क्लासेस समझ आएंगे। क्लास की वीडियो कहाँ से मिलेगी, आप कॉल कर लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा कि कैसे आपको देखना है वीडियो, तो वो आप देख सकते हो। ग्रुप डिफाइन कर दीजिए, हाँ ग्रुप डिफाइन करने का नहीं है क्या इसमें, डिफाइन कर दूं? देखो बॉर्डर का थोड़ा सा इसमें क्या आ रहा है कि जब ग्रुप करोगे तो एक जो कलर लगाओगे उसका एक डार्क कलर आएगा, एक लाइट कलर आएगा, इसमें दो कलर बॉर्डर में दो कलर हो जा रहे हैं। एक जैसे आपने पर्पल दिया है तो पर्पल क्या आ रहा है, एक लाइट पर्पल, दो मिक्स कलर आ रहे हैं, एक लाइट पर्पल आ रहा है, एक डार्क पर्पल आ रहा है, तो ग्रुप में ऐसा ही दिखेगा। चलो अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, यानी कि ये टेक्स्ट किस साइड की तरफ है, ये बाय डिफॉल्ट इसका किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। अब हमें क्या करना है, इसको टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो एक तरीका तो आपको पता है, क्या यूज करेंगे, एक तरीका आपको मैं टैग से करना है तो आप क्या यूज करते कर सकते हो, सेंटर टैग यूज कर सकते हो, लेकिन सीएसएस से आपको सेंटर में करना है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट हाइफन अलाइन। क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन, लेकिन ध्यान रहे ना, देखो सीएसएस आप पहली बार करोगे तो बहुत प्रॉब्लम करोगे, कहीं आप इसको सेमी कॉलन छोड़ दोगे, कहीं कॉलन छोड़ दोगे, कहीं सेमी कॉलन आप भूल जाओगे, कहीं टेक्स्ट अलाइन, आपने बहुत सारे ये स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, एक ही में कर देते हैं, हाइफन यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रहे ये हाइफन होगा, अंडरस्कोर भी नहीं होगा, क्या होगा, हाइफन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं केवल अलाइन यूज करते हैं तो अप्लाई नहीं होगा, तो टेक्स्ट अलाइन और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है लेफ्ट, आपको सेंटर में करना है। इसके चार वैल्यू होते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सेंटर राइट और जस्टिफाई। जस्टिफाई आपको आगे समझ में आएगा जब जो बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हों, अब दोनों तरफ से अलाइनमेंट एक बराबर करना है तो उसके लिए जस्टिफाई करते हैं, जो कि आप आगे यूज करोगे तो समझ आएगा। तो टेक्स्ट अलाइन हमने इसको कर दिया सेंटर, वैसे राइट में करना है तो राइट कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब हमें बॉर्डर रेडियस यूज करना है, यूज करा, अब हमें यूज करना है बॉर्डर रेडियस, ये सेंटर में टेक्स्ट आया, अब बॉर्डर रेडियस यूज करना है। जैसे अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, इस वेबसाइट पे आऊं तो यहां पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो ये बटन्स जो दिख रहे हैं, ये बॉक्स जो दिख रहे हैं, ये बटन्स जो दिख रहे हैं, अगर लॉगिन पेज की बात करो, अगर एसटी टेकपाइल एसटी लॉगिन करते हो तो लॉगिन पेज की बात करो, तो ये इसके कॉर्नर्स क्या हैं, इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं, इसका फर्स्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर राउंड है, ये कॉर्नर राउंड है, ये कॉर्नर राउंड है, इसके कॉर्नर्स क्या है, राउंडेड है। अगर यहां पे बात करो तो यहां पे देखो, ये जो बॉक्स है इसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंड है कि नहीं है, तो ऐसे राउंडेड करना है आपको, ऐसे कॉर्नर्स को राउंड करना है तो आप क्या यूज करते हो, बॉर्डर रेडियस का यूज करते हो, है ना, क्या यूज करते हो, बॉर्डर रेडियस का, बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉर्डर
रेडियस का यूज करते हो। अब बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर रेडियस रेक्टेंगुलर नहीं पास करते हैं, पिक्सेल में वैल्यू पास की जाती है। अगर मैं बात करूं, हमने किया 10 पिक्सल, अभी देखो इसको समझो, हमने बॉर्डर हाइफन रेडियस, आप ध्यान देना कि आप स्पेलिंग वगैरह सही लिखना, नहीं तो स्टार्टिंग है आप प्रॉब्लम करोगे, मुझे पता है स्पेलिंग में बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, तो ध्यान से आप ऐसा करो कि जो भी कोड लिखते हो एक एक लाइन को आप ध्यान से लिखो, आपको एरर नहीं मिलने वाला है। यानी कि एक लाइन आप एक कैरेक्टर को लिखो तो आप ध्यान दो कि मैं इसको सही तो लिख रहा हूं ना, आप बिल्कुल एरर नहीं आएगा। तो बॉर्डर रेडियस दे दिया 10 पिक्सल, परसेंटेज में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज भी अभी मैं बता रहा हूं। तो अभी हमने रन कराया, देखो इसके कॉर्नर्स क्या हो गए हैं, कॉर्नर्स राउंडेड हो गए हैं, और भी ज्यादा राउंड करना है, और भी ज्यादा राउंड करना है, जितना राउंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने किया 20 पिक्सल, 30 पिक्सल कर दिया, तो 30 पिक्सल किया तो देखो 30 पिक्सल किया, और भी राउंडेड, और भी ज्यादा राउंड करना है, और भी ज्यादा राउंड करना है, मैंने कर दिया 50 पिक्सल, और भी ज्यादा, जितनी वैल्यू आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये राउंडेड होता जाएगा। अब चलो बात ये आती है कि आपने राउंडेड तो कर दिया, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि फर्स्ट कॉर्नर 50 पिक्सल राउंडेड, सेकेंड कॉर्नर भी 50 पिक्सल राउंडेड, थर्ड कॉर्नर भी 50 पिक्सल राउंडेड, एंड फोर्थ कॉर्नर भी 50 पिक्सल राउंडेड। या तो आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉर्नर को हमको थोड़ा भी राउंडेड नहीं करना है, सेकेंड कॉर्नर को थोड़ा भी राउंडेड नहीं करना है, थर्ड कॉर्नर को आप 50 पिक्सल राउंड करना चाहते हो, फोर्थ कॉर्नर को 50 पिक्सल राउंड करना चाहते हो, और फर्स्ट सेकेंड को राउंड नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको पार्ट वाइज भी सीएसएस दे सकते हो। क्या कर सकते हो, पार्ट वाइज भी सीएसएस दे सकते हो, यानी कि पार्ट फोर पार्ट में भी आप डिफाइन कर सकते हो बॉर्डर रेडियस। हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉर्नर राउंड नहीं करना है, हमने लिख दिया 0 पिक्सल, सेकेंड कॉर्नर राउंड नहीं करना है, हमने लिख दिया स्पेस लगाना है, सेकेंड कॉर्नर आपको राउंड नहीं करना है, 0 पिक्सल आपने लिख दिया, थर्ड कॉर्नर हमें 50 पिक्सल राउंड करना है, 50 पिक्सल लिख दिया, जितना पिक्सल आप देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, हमने कर दिया। यानी कि फर्स्ट कॉर्नर 0 पिक्सल होगा, सेकेंड कॉर्नर 0 पिक्सल राउंडेड, थर्ड कॉर्नर 50 पिक्सल राउंडेड, एंड फोर्थ कॉर्नर 50 पिक्सल राउंडेड। रन कराते हैं, देखो आया, तो यानी कि ये 0 पिक्सल, ये 0 पिक्सल, 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। अगर मैं बात करूं, आप जैसा स्टाइल सोच सकते हो वैसा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर मुझे बात करना है कि पहला कॉर्नर 0 पिक्सल करना है, यानी कि पहला कॉर्नर चलो हम 40 पिक्सल करना चाहते, तो 40 पिक्सल कर दिया, फिर 0 पिक्सल कर दिया, फिर मान लो हमने 40 पिक्सल कर दिया, फिर 0, ये पिक्सल की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 40 पिक्सल, 0 पिक्सल, 40 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, यानी कि क्या होगा, यानी कि फर्स्ट कॉर्नर 40 पिक्सल आपने डिफाइन किया था, सेकेंड कॉर्नर 0 पिक्सल डिफाइन किया था, 0 पिक्सल आया, थर्ड कॉर्नर 40 पिक्सल डिफाइन किया था, ये 40 पिक्सल आया, एंड फोर्थ कॉर्नर 0 पिक्सल किया था तो 0 पिक्सल आया। तो ये आपको बॉर्डर रेडियस समझ आया, बताओ अप्लाई करो क्यों। तो आपको मैंने बताया कि सीएसएस में सिंटेक्स क्या था, अभी हम लोग सेलेक्टर कौन सा देख रहे हैं, सेलेक्टर कौन सा देख रहे हैं बताओ, रिप्लाई करो, सेलेक्टर कौन सा यूज कर रहे हो आप, क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। टैग सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर में ध्यान रहे कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं, टैग के नेम के बेस पे आपको सीएसएस देना पड़ता है। इसमें प्रॉपर्टी सिंटेक्स बताया था, तो ये सारे प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है आपको, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन, बॉर्डर रेडियस, ये सारे प्रॉपर्टी हैं और ये इसकी वैल्यू है। अब ये बताओ कि हम इस सीएसएस को क्या, हाँ टैग्स चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, देखो हमने कलर को कर दिया, अब ये बताओ कि ये सीएसएस क्या हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या, नहीं आने वाली है प्रॉब्लम, आप सारा सीएसएस एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मैंने बताया था सिंटेक्स में ही आपको। तो रन कर लेते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सेमी कॉलन लगाना जरूरी होगा। चलो मैं सेमी कॉलन हटा के दिखाता हूं, कहीं से मैंने एक सेमी कॉलन हटा दिया, देखो ये हटा दिया सेमी कॉलन, और रन करता हूं और देखो ये सीएसएस गायब,
तो आपको ध्यान रहे कि अगर सीएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप बार बार कोड को चेक करोगे, कहीं सेमी कॉलन भूल गए हो, कहीं कॉलन भूल गए हो, या कहीं बॉर्डर या किसी भी प्रॉपर्टी का स्पेलिंग गलत आपने कर दिया है। अगर कोड सही होगा तो 100% कोड आपका रन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने कोड सारा सही किया लेकिन रन नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोड आप सही करोगे तो वो रन तो होगा ही, कुछ तो प्रॉब्लम होगा जो रन नहीं कर रहा है। हाँ, इसको बॉडी लूप के अंदर कर सकते हो, कर सकते हो, मैंने बताया, जरूरी नहीं है। आप स्टाइल टैग को, आपने पूछा कि बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप स्टाइल टैग को हेड सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो और बॉडी सेक्शन के अंदर भी कहीं यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, कभी कभी ब्राउजर दिक्कत करता है, ब्राउजर पुरानी हिस्ट्री सेव कर लेता है तो भी प्रॉब्लम करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो आप ब्राउजर के ये बॉडी के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो या तो हेड के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से कट करो और हम हेड सेक्शन के अंदर यूज किया। सर, बॉर्डर रेडियस की में वैल्यू बता दीजिए। वैल्यू क्या बता दूं मैं, वैल्यू इसमें जितना बॉर्डर रेडियस दोगे। सर एसएस लेना है, एसएस ले लो आप। माइनस नहीं, माइनस में नहीं होगा, इसमें माइनस में नहीं होगा, वैल्यू माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वैल्यू आप जितना दोगे, ये वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा ये राउंडेड आपका कॉर्नर होता जाएगा। चलो एसएस ले लो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस देखेंगे। चलो एसएस ले लिया आपने, हाफ सर्किल में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। हाफ सर्किल में टेक्स्ट लिखने के लिए देखो, आपको मैं बताऊंगा आगे, या तो आप जब आपको डिवीजन बताऊंगा तो हो सकता है, या तो एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जरूरी नहीं कि आप केवल सर्किल बनाओ, आप स्टार बनाना चाहते हो, आप जैसा भी शेप बनाना चाहते हो, उसके लिए एक क्लिप पाथ प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, है ना। क्या होता है क्लिप पाथ, क्या होता है क्लिप पाथ प्रॉपर्टी होती है। आप जैसा शेप बनाना चाहते हो, है ना, जैसा शेप बनाना चाहते हो, उस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी से, सीएसएस में क्लिप पाथ प्रॉपर्टी है, उससे कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हाफ सर्किल बनाना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है, आपको स्टार बनाना है, सब कुछ क्लिप पाथ प्रॉपर्टी से पॉसिबल है, जो कि आपको आगे मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। एक बिना टैग वाला सेलेक्टर बता दीजिए, मैं बता रहा हूं, सब बताऊंगा, परेशान ना हो। इसका एसएस लेना है तो ले लो, कह रहे हो आप। चलो, लाइन नंबर 15 एंड उसके बाद 15 to 28 एंड 28 टू लास्ट। चलो अब आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे, है ना, एक्सटर्नल सीएसएस पे। इसके बाद कुछ नहीं है सर। क्लास कितने बजे तक चलेगी? चलेगी, अभी क्लास चलेगी, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एचटीएमएल हेड सेक्शन, और हमने हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेव कर लेते हैं। डेमो 32.html, ठीक है, ऐसा। चलो, हमने यहां पे बनाया एक यूएल टैग, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक यूएल टैग। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमने यूएल टैग बनाया और इसके अंदर हमने बनाया एलआई टैग। क्या बनाया? एलआई टैग, एलआई टैग बनाया। एलआई में हमने, चलो हमने लिख दिया एचटीएमएल, कुछ लिस्ट बना लिए, सीएसएस, वैसे एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करना है, जावास्क्रिप्ट, यानी कि जेएस, जेक्वेरी, जो भी नाम देना चाहते हो, जेक्वेरी, jQuery, Python programming, Python, ऐसा कुछ हमने लिस्ट आइटम बनाया।
यूएल टैग का यूज किया और बनाया, रन करा लेते हैं। चलो तो ये कुछ ऐसा आएगा, आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, इसके टाइप को स्क्वायर करना है, बताओ क्या यूज करेंगे? टाइप को स्क्वायर टाइप में करना है। वॉइस नहीं आ रहा है, क्यों वॉइस नहीं आ रहा है? चलो स्क्वायर कर दिया, तो टाइप को स्क्वायर करना है, हमने स्क्वायर लिख देंगे यहां पे, टाइप में स्क्वायर लिख देंगे, हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस यूएल के बैकग्राउंड को चेंज करना है, इस यूएल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, इस यूएल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, लेकिन लेकिन हमें सीएसएस कौन सा यूज करना है? एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना है, तो अब एक्सटर्नल सीएसएस बनाते कैसे हैं, क्या बेनिफिट है एक्सटर्नल सीएसएस बनाने का, आप लोग देखो। देखो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि सारा सिंटेक्स ऐसा ही होता है, यानी कि आपको केवल और केवल ये जो सीएसएस जो लिखा जाता है वो एचटीएमएल पेज में नहीं होता है, वो यानी कि सीएसएस जो आपका जितना भी सीएसएस होता है, सीएसएस का कोड होता है, यानी कि आपका सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, उसको अलग सेपरेट करके रखा जाता है, एचटीएमएल का कोड अलग सेपरेट करके रखा जाता है, और जो सीएसएस की फाइल बनाते हो जिसमें केवल और केवल सीएसएस लिखा गया होता है उसको एचटीएमएल पेज में लिंक कराना पड़ता है, ठीक है, लिंक कराना पड़ता है। अब ये बात करते हैं कि अब एक्सटर्नल सीएसएस कहाँ लिखा जाएगा, तो नए डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाएगा, और एक्सटर्नल सीएसएस देने के लिए ध्यान रहे, एक मिनट कर्सर कहाँ गया, ये है, तो एक्सटर्नल सीएसएस लिखने के लिए आप कोई भी टैग का यूज नहीं करते। यहाँ पे तो देखो आप स्टाइल टैग का यूज कर रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल सीएसएस में आप सीएसएस अलग लिखोगे, और आप CSS अलग लिखोगे, HTML का पेज अलग रहेगा, उसको CSS वाले को HTML में लिंक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो और सेलेक्टर वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। हम आते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमें कौन से टैग को CSS देना है, हमें टैग को CSS देना है क्या, और एक्सटेंशन उसका क्या होता है, .css। चलो इस UL टैग को CSS देना होता है, देना है तो हम क्या करेंगे, UL टैग को सेलेक्ट करेंगे, UL थ्योरी का स्टार्टिंग में 1 से 15 तक एसएस लेना है सर, हाँ ले लेना, अभी मैं ओपन कर दूंगा। यूएल टैग को सीएसएस लेना है तो आप क्या करोगे, पहले तो एचटीएमएल का कोड लिख लिया, अब नए डॉक्यूमेंट पे आओगे, नए डॉक्यूमेंट पे आओगे, आपने एचटीएमएल कोड लिख लिया है, ये देख लो आपकी किस टैग को सीएसएस देना है, हमें यूएल टैग को सीएसएस देना है। हम नए पेज पे आते हैं, अब यहाँ पे आप बताओ कि क्या स्टाइल टैग यूज करेंगे, क्या यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करेंगे, क्या बताओ बताओ, नहीं यूज करेंगे। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे HTML वाले में केवल और केवल HTML पेज होता है, और CSS वाले में केवल और केवल CSS होता है, और इसको बोलते हैं स्टाइल सीट। देखो अब आपको किस टैग को CSS देना है, किस टैग को CSS देना है, तो वहां पे आप क्या था कि स्टाइल टैग लगाते थे, और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक्सटर्नल CSS में कोई HTML का टैग नहीं रहेगा, केवल और केवल CSS रहेगा, HTML वाले में केवल HTML रहेगा। CSS को आप HTML में लिंक करोगे, कैसे लिंक करते हैं आपको अभी मैं बताऊंगा, समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया, कौन से टैग को सीएसएस देना है, हमें यूएल टैग को सीएसएस देना है। जैसे आपको H1 टैग को सीएसएस देना है, देना था तो आप लिखते थे H1, लेकिन ध्यान रहे ये भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि सेलेक्ट करते टाइम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं भाई आपको उसके नेम के बेस पे सेलेक्ट करना है। आप क्या यूज करोगे, जैसे आपने H1 को सेलेक्ट करना था तो H1 को आप ब्रैकेट्स के अंदर थोड़ी लिखे थे, तो आप डायरेक्टली उसका नाम का यूज करोगे। हमें यूज करना है H1 UL, UL को CSS देना है, तो ये कौन सा सेलेक्टर है, ये टैग सेलेक्टर है, कोई सिंबल इसके साथ यूज नहीं कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टी। हमें यूज करना है क्या, हमें क्या यूज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, सिंपल अभी बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं, तो बैकग्राउंड या तो बैकग्राउंड कलर, और हमने बैकग्राउंड कर लिया मैरून कलर दे दिया, क्या दे दिया मैरून। इतना सीएसएस लिखने से क्या होगा, इतना सीएसएस लिखने से कलर क्या अप्लाई हो जाएगा, नहीं। ध्यान रहे आपने ये सीएसएस तो लिख लिया, अब इसको सेव करना पड़ेगा।
आपने यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस नाम से ही पता चल रहा है कि जो सीएसएस आपको लिखा जाएगा, जो सीएसएस आप लिखोगे उसको एचटीएमएल पेज में ना लिख के आप सीएसएस को एक्सटर्नली आप बनाओगे, डिफाइन करोगे। तो हमने सीएसएस इस टैग के लिए, इस यूएल टैग के लिए हमने सीएसएस डिफाइन कर लिया है। अब क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव कर लेते हैं। हम कहां पे सेव कर लेते हैं, आपको पाथ सेट करने पता है, पहले हम उसी लोकेशन पे सेव करते हैं जहां पे आपने एचटीएमएल पेज को यानी कि demo30.html को रखा हुआ है। तो मैंने यहां पे आया और डेस्कटॉप पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था एचटीएमएल, उसको मैंने ओपन किया। यूएल टैग किसमें बनाया गया है, demo32.html, वहीं पे मैं सेव कर लेता हूं। नाम आप इसका कुछ भी दे सकते हो, मैं नाम कुछ भी दे दिया, मैंने कर लिया xyz। क्या नाम दिया, xyz, नाम कुछ भी दे दिया। लेकिन ध्यान रहे, जब एक्सटर्नल सीएसएस बनाओगे तो एक चीज ध्यान रहे, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css। क्या होगा, .css। एक्सटर्नल सीएसएस का एक्सटेंशन क्या होता है, .css। जैसे वेब पेज आप बनाते थे, एचटीएमएल का पेज बनाते थे, उसका एक्सटेंशन क्या था, .html। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, जिसमें केवल और केवल सीएसएस लिखा जाएगा उसका एक्सटेंशन होगा .css। सेव करा लिया। सेव कराने के बाद इसको इसको क्या बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल सीएसएस लिखा गया होता है, इस शीट को बोलते हैं, इस पेज को बोलते हैं क्या, स्टाइल शीट बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन .css होता है, जो आपने अभी सेव करा है, इसको क्या बोलते हैं, इस पेज को, इस शीट को क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट। क्योंकि इसके अंदर, इस शीट के अंदर बहुत सारे एचटीएमएल टैग के लिए आपने क्या डिफाइन करा है, स्टाइल डिफाइन करा है, तो इसको बोलते हैं स्टाइल शीट। इस पेज को क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट बोलते हैं। इतना करने से क्या ये, अब बताओ कि रन कराएंगे क्या, इस पे अप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि इस पेज का और इस पेज का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और एक चीज और ध्यान रहे कि रन किसको कराएंगे, सीएसएस वाले पेज को रन नहीं कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि यहां से रन करके आपने सीएसएस डिफाइन किया और सीएसएस को ही रन करा लिया। तो सीएसएस को रन कराओगे तो क्या होगा, सीएसएस ब्राउजर क्या सपोर्ट करता है, केवल .html फाइल को ही सपोर्ट करता है। क्यों, तो ये क्या करेगा, यानी कि वेब पेज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सीएसएस, अगर सीएसएस को रन कराते हो तो सीएसएस ब्राउजर पे लिख के आ जाएगा, जो सीएसएस इसके अंदर डिफाइन किया ये रहोगे आप, तो ये ब्राउजर पे लिख के आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो मैंने बता दिया कि अगर ब्राउजर पे सीएसएस का कोड लिख के आ जा रहा है तो आप ये समझना कि मैंने CSS वाले यानी स्टाइल शीट को रन करा दिया है। किसको रन कराना है, HTML वाले पेज को। ये तो आपने CSS डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है, हमें ये रन कराएंगे, CSS तब तक डिफाइन नहीं होगा, तब तक इसमें अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि आप जो आपने स्टाइल शीट बनाया है उसको लिंक नहीं कर रहे हो। तो चलो, हमें लिंक करने के लिए फर्स्ट डे आपको मैंने एक टैग लिखवाया था, कौन सा, लिंक टैग। और इसका आपने यूज किया है, इस टैग का आपने यूज किया है, किस काम के लिए यूज किया है, आपको पहले दिन मैंने बताया था कि आपने लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं। पहला है, आपने इसका यूज किया था फेवरेट आइकन लगाने के लिए, यानी कि टाइटल के बगल में जो आइकन लगाना था फेव आइकन, फेवरेट आइकन लगाना था, उसके लिए आपने लिंक टैग का यूज किया था। अब हम लोग यूज करते हैं लिंक टैग का यूज करके स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन है .css, इसको बोलते हैं स्टाइल शीट। इस पेज को, इस स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए भी हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं। चलो लिंक टैग में आते हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज किया, href यूज किया। और इसका नाम क्या है, जो आपने स्टाइल यानी कि स्टाइल शीट बनाया है उसका नाम क्या दिया है, xyz। जो भी नाम दिया होगा आपने वही लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे, हमने xyz दिया है, आप नाम कुछ और दे सकते हो, तो ये ध्यान ना देना कि यहाँ पे जो xyz लिखा गया सेम ऐसा ही लिखेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। नहीं, जो आपने स्टाइल सेट का नाम दिया है वही नाम देना पड़ेगा, .css। अब ये बताओ कि ये css अभी भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बताइए css अप्लाई होगा कि नहीं होगा, रिप्लाई करो, सभी लोग रिप्लाई करो, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बताओ, अगर css अप्लाई नहीं होगा तो क्यों अप्लाई नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे फेवरेट आइकन लगाने बताया था, तो आपको रिलेशन डिफाइन करना करना था। क्यों? क्योंकि लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं, एक फेवरेट आइकन लगाने के लिए और एक स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। तो ब्राउजर कैसे कंसीडर कर पाएगा कि इसके अंदर जो यूआरएल आपने पास किया है वो इमेज का है, इमेज के लिए कर रहे हो रिलेशन का यूज, कि आपको आपको स्टाइल शीट लगाने के लिए लिंक कर रहे हो? तो आपको ब्राउजर को बताने के लिए कि हम लिंक टैग का यूज स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए कर रहे हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे स्टाइल शीट। क्या लिखोगे? स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। अब ये अब क्या हो जाएगा? अब ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। देखो रन कराया और सेव करा, रन कराया और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर हो गया मैरून। यही सीएसएस डिफाइन किया था आपने, तो ध्यान रहे आपको। और ये भी चीजें, ये भी अगर मैं बताऊं कि इसका लोकेशन अगर सेम, ये भी देखो लिंक करने का आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। अभी मैंने HTML का पेज और CSS का पेज सेम लोकेशन पे रखा है। अगर मैं इसको यहां से कट कर लूं, अगर सपोज करो मैंने सॉरी इसको मैंने यहां से कट कर लिया, CSS को मैंने यहां से कट कर लिया, ठीक है, इस CSS को मैंने यहां से कट कर लिया, और मान लो यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं, या तो इमेजेस फोल्डर के अंदर रख लेते हैं, या तो एक हमने यहां पे राइट क्लिक किया और फोल्डर बना लिया, और फोल्डर के अंदर हमने यहां पे इस फोल्डर का नाम कर दिया CSS, नाम दे दिया CSS, और CSS के अंदर हमने रख लिया क्या इस CSS को xyz.css को हमने CSS को हमने CSS फोल्डर के अंदर रख लिया, तो अब बताओ कि ये CSS अप्लाई होगा कि नहीं होगा? बताओ, रिप्लाई करो। अब क्या लिखना पड़ेगा? फिर से ये CSS अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसका लोकेशन चेंज कर दिया है। क्यों? तो क्या लिखना पड़ेगा गाइस? हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको पाथ सेट करना, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बताया हूं कि ड्राइव में चेंज करने के लिए, फोल्डर को एग्जिट होने के लिए, एंट्री लेने के लिए, तो सारी चीजें। हाँ, तो यहां पे आते हैं, इस फोल्डर में एंट्री लेना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा css/xyz.css। CSS फोल्डर के अंदर एंट्री लेना है तो आपको वहां पे मिलेगा xyz.css। अब ये CSS अप्लाई होगा। चलो आया। अब जो भी CSS आपको लिखना है, जो भी CSS लिखना है, हमने यहाँ पे फिर से CSS को ओपन कर लेते हैं और उसमें और भी CSS हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं? और भी CSS चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब ध्यान रहे कि कलर को चेंज करना है, मैंने चलो कर दिया कलर, कलर कर दिया व्हाइट, ठीक है, कलर कर दिया व्हाइट, कलर व्हाइट कर दिया। तो ध्यान रहे कि जब भी CSS में चेंज करोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर CSS हमने चेंज कर दिया है, कुछ और लिखा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको लिखने के बाद इसको सेव भी करना पड़ेगा, जब सेव करोगे तभी तो फाइल में जाके चेंज होगा। तो CSS लिखने के बाद आपको क्या करना है? सेव करना है, तब HTML वाले पेज को रन कराना है। कलर को व्हाइट कर दिया तो ये लिस्ट आइटम का कलर व्हाइट हो गया। आप इसमें अब चाहते हो कि इसका बॉर्डर लगाना, इस पे चारों तरफ बाहर बाहर बॉर्डर, यूएल पे चारों तरफ बाहर बाहर बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो क्या लिखोगे? बॉर्डर, बॉर्डर डिफाइन करने अभी मैंने बताया है आपको, बॉर्डर कर दिया 10 पिक्सल, हमने ऑरेंज कर दिया या जो भी नाम देना है, एक्वा कर दिया 10 पिक्सल, और डबल टाइप का बॉर्डर कर दिया, डबल, ये आपको बॉर्डर लगाने मैंने बताया डबल, और एक्वा कलर, कलर का नाम है एक्वा, एक्वा कर दिया। तो इस पे देखो सेव किया, जब भी आप चेंजेस करोगे सेव करना पड़ेगा। रन कराते हैं तो बॉर्डर आ गया इस पे, है ना। अब सारे लिस्ट आइटम पे आपको बॉर्डर देना है, है ना। अब इस पे ये एक लिस्ट आइटम है, ये भी एक एलआई टैग 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 है। तो बताओ हमें क्या करना है कि इस पे सभी एलआई टैग पे बॉर्डर लगाना है, सभी एलआई टैग पे बॉर्डर लगाना है। हम चाहते हैं कि इसका विड्थ ज्यादा है, क्या चाहते हैं? इसका विड्थ ज्यादा है, इसके विड्थ को कम करना है, इसका विड्थ ज्यादा है, इसके विड्थ को कम करना है। तो हाइट और विड्थ सेट करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट है, विड्थ को सेट करने के लिए। हाँ, एक्सटर्नल CSS मोबाइल में पॉसिबल है, जैसे आपको इमेज का पास सेट करते थे वैसे आप मोबाइल का भी पास सेट करो, सेव करो, हो जाएगा, है ना। एक मिनट, कैमरा डिस्चार्ज हो गया।
ठीक है, तो यहां पे विड डिफाइन करने के लिए, बैटरी चेंज कर दो, विड डिफाइन करने के लिए हमने कर दिया यहां पे 400 पिक्सल, 400 पिक्सल किया, वायर निकल, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, और कम बढ़ाया नहीं, और भी कम करना है विड्थ, हमने जूम किया था ना, हमने कर दिया 200 पिक्सल, विड्थ और कम कर दिया 200 पिक्सल, तो देखो विड्थ कुछ ऐसा आया, और भी कम करना है, आप 100 पिक्सल करना चाहते हो, हमने 100 पिक्सल कर दिया, तो विड्थ कुछ इसका इस टाइप का आया, है ना। अब इसके चाहते हो आपकी इस पे हर लिस्ट आइटम पे आप क्या चाहते हो, बॉर्डर लगाना, और सीएसएस से अभी आपको पता है कि इसके बॉर्डर को, इसके इसके बुलेट के टाइप को आप चेंज करना चाहते हो। एक्सटर्नल सीएसएस को हेड सेक्शन में ही लिखेंगे, अभी तो मैंने बताया था कि हेड सेक्शन के अंदर, अच्छा ये लिंक कराने के लिए नहीं, आप एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक कराने के लिए आप हेड सेक्शन में भी यूज कर सकते हो, और यहां से कट करके बॉडी सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो देखो मैंने इसको सेव किया और बॉडी सेक्शन में भी यूज करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपने देखा यहाँ पे आते हैं और विड्थ आपने कम कर लिया, अब हमें सारे लिस्ट आइटम, ये एक एलआई टैग के अंदर लिखा गया है, ये एक एलआई टैग के अंदर लिखा गया है, ये एक एलआई टैग के अंदर लिखा गया है, ये जेक्वेरी एक एलआई टैग के अंदर लिखा गया है, पाइथन एक एलआई टैग के अंदर लिखा गया है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको सीएसएस देना है, इस पे बॉर्डर लगाना 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 है, यानी कि एलआई को सीएसएस देना है। तो आप रिप्लाई करो कि हमें एलआई टैग को सीएसएस देना है, तो सेलेक्टर क्या बनेगा, हम चाहते हैं कि एलआई टैग पे आपको लगाना है बैकग्राउंड कलर, एलआई टैग जो है उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो क्या लिखोगे, फिर से एलआई को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, एलआई टैग, और एलआई टैग यानी कि लिस्ट आइटम टैग कितने हैं, यानी कि एलआई ये भी है, एलआई ये भी है, एलआई ये भी है, एलआई ये भी है, सारे एलआई टैग सेलेक्ट हो जाएंगे इस पेज के अंदर, जितने एलआई टैग हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट करना, तो उसके लिए अलग से सेलेक्टर मैं बताऊंगा। तो यहां पे आते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, हमें एलआई को सीएसएस देना है, तो एलआई को सेलेक्ट किया, एलआई एलआई एक टैग है, कौन सा सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है, हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन करना है भाई, हमें एलआई पे बॉर्डर डिफाइन करना है, क्या डिफाइन बॉर्डर करना है, हमें बॉर्डर डिफाइन करना है 4 पिक्सल, और चलो हमें सॉलिड टाइप का ही बॉर्डर डिफाइन करना है, तो सॉलिड कर दिया, और एक्वा कलर ही डिफाइन करना है, तो एक्वा कर दिया, है ना। तो जैसा आप डिफाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो, स्पेस दिया है तो हमने दे दिया। अब सारे एलआई पे किस टाइप का बॉर्डर आएगा, रन कराया, एलआई को आपने सेलेक्ट किया, देखो सारे एलआई पे इस टाइप का बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो एलआई, चलो थोड़ा सा बॉर्डर मैं और कम कर लेता हूं, 2 ही पिक्सल कर लेता हूं, बहुत बोल्ड बॉर्डर आ रहा है, तो 2 पिक्सल, है ना, इस टाइप का। और आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, इसके बैकग्राउंड कलर को भी, एलआई के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड कर लिया, बैकग्राउंड एलआई के बैकग्राउंड को चेंज करके करना है स्काई ब्लू, स्काई ब्लू बैकग्राउंड, स्काई ब्लू कर लिया, तो देखो इसका बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का आया, है ना। अलाइनमेंट सेट करना है, थोड़ा सा मैं डार्क कलर कर लेता हूं, ऑरेंज, ठीक है। तो ये एलआई का ऑरेंज कलर आया, ठीक है। अब इसका ये इस टेक्स्ट का भी, इसका ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर जो भी देना है दे सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बुलेट्स आ रहे हैं इसके टाइप को चेंज करने के लिए आपके पास एक तरीका पता है, आप क्या यूज करते थे, टाइप एट्रीब्यूट यूज करते थे, क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे, टाइप एट्रीब्यूट यूज करते थे ना, यानी कि इसके बुलेट को हमको स्क्वायर टाइप में करना है, सर्किल टाइप में करना है, तो आप टाइप यूज करते थे, टाइप एट्रीब्यूट। लेकिन इसके टाइप को हम सीएसएस से चेंज करना चाहते हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टी से हम इसके टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, क्या होती है, लिस्ट हाइफन स्टाइल, यानी कि जो लिस्ट लिस्ट का जो बुलेट बुलेट का स्टाइल आ रहा है, लिस्ट स्टाइल टाइप यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल टाइप, या तो लिस्ट स्टाइल केवल यूज कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल टाइप, और किस टाइप का है, जो एलआई के अंदर जो बुलेट्स आ रहे हैं,
लेकिन ये किसके वजह से, बुलेट किसके वजह से आता है? बुलेट्स आता है यूएल की वजह से। यूएल जब टैग लगाते हो तो बुलेट्स आता है। तो हमें इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखो बुलेट्स क्या है, बुलेट्स एलआई के बाहर है, बाहर है कि नहीं बाहर है? यहाँ पे देखो ये एलआई को आपने सीएसएस दिया है, लेकिन ये बुलेट किसके अंदर आ रहा है, यूएल के अंदर आ रहा है कि एलआई के अंदर आ रहा है, बताओ? ये यूएल बुलेट्स यूएल टैग के अंदर आ रहा है कि एलआई के अंदर आ रहा है? अगर एलआई के अंदर आता तो क्या होता, ये इसका यहां से कुछ आता। यूएल टैग के अंदर आ रहा है, ये यूएल टैग के अंदर आ रहा है, तो हमको इसको इसके टाइप को चेंज करना है, तो कहां पे सीएसए डिफाइन करेंगे, यूएल के अंदर कि एलआई के अंदर, बताओ कहां पे डिफाइन करेंगे? यानी कि इसके टाइप को चेंज करना है तो यूएल के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूएल में आते हैं, यूएल में आते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी है, लिस्ट हाइफन स्टाइल, या तो लिस्ट स्टाइल यूज कर सकते हो या तो लिस्ट स्टाइल टाइप यूज कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है गाइस, ये है डिस्क। कोई चेंजेस मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिस्क होता है। अगर मैंने कर दिया इसको कर दिया स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइप में आया, ये स्क्वायर टाइप में आया, देखो है ना, स्क्वायर में आया। अगर आप चाहते हो कि इसको सर्किल करना, तो सर्कल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर्कल, सर्किल करना है तो सर्कल पास कर सकते हो। यही चीजें आप वैल्यू, ये भी यही वैल्यू आप कहां पे पास करते थे, आप वहां पास करते थे टाइप एट्रीब्यूट के अंदर, जो कि आपको पहले मैं एचटीएमएल में बता चुका हूं। तो ये है ना, और इसको रखना नहीं है, आप इसको हटाना चाहते हो, बुलेट को रखना ही नहीं है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल टाइप, नन पास कर दोगे तो वो बुलेट गायब हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो ये आपने लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी देखा सीएसएस में। हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किया। इस पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, आपको मैंने अभी बताया बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, तो बॉर्डर हाइफन रेडियस जितने पिक्सल का देना है, बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल का देना है, तो ये चारों कॉर्नर 10 पिक्सल राउंडेड हो जाएंगे इस टाइप का। इसका भी बॉर्डर रेडियस देना है, LI का भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना है, आप इसमें भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर हाइफन रेडियस, और हमने कर दिया, चलो इसको कम कर लेते हैं, हमने कर दिया 5 पिक्सल। तो जैसे आपको स्टाइल डिफाइन करने हैं गाइस, आप कर सकते हो, देखो इस पे भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट सेंटर में करना है तो वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो, ठीक है, एलआई के अंदर लिखा गया है तो अलाइनमेंट इसका सेंटर में आ गया। कलर को चेंज करना है वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर मैरून करना है तो मैरून कर सकते हो। तो ऐसे आप एक्सटर्नल सीएसएस भी डिफाइन कर सकते हो। एक्सटर्नल सीएसएस आपको समझ आया, ये देखो क्यों हो गया है, क्योंकि कलर इसका भी क्या हो गया, इसका भी कलर मैरून है, और मैरून मैच कर गया है, तो आप कोई और कलर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ग्रीन, ठीक है, तो इस टाइप का है। चलो तो ये आपको एक्सटर्नल समझ सीएसएस समझ आया कि फिर से एक बार बताना पड़ेगा, बताओ क्लियर है? अगर एक ही कैरेक्टर को, एक ही लेटर को आपको क्या करना है, आप पूछ रहे हो कि कलर चेंज करना है, तो उसके लिए स्पैन टैग में बताऊंगा, और उसके लिए इनलाइन सीएसएस से आप कर सकते हो, स्पैन टैग आईडी दे सकते हो अलग अलग टैग के अंदर करके, तो वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपको ये एसएस लेना है क्या, एसएस लेना है तो एसएस ले लो। एक बार एक्सटर्नल सीएसएस और बता दें, चलो बता देता हूँ, अभी मैं मल्टीपल टाइम यूज करूंगा, अभी एक्सटर्नल सीएसएस फिर मैं बताऊंगा, तीनों में डिफरेंस तो आपको समझ आएगा, इनलाइन भी देख लेते हैं इसके बाद, है ना। तो इसका एसएस ले लो और इसका एसएस ले लो। पहला, ये सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको जो नहीं लगे आप पेज पे नोट कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में पूछा जाएगा, है ना, तो सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है।
तो ये था आपका एक्सटर्नल सीएसएस। अब हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस पे आते हैं, छोटा सा है इसको भी देख लो, फिर हम लोग तीनों में डिफरेंस देखेंगे, एचटीएमएल और इसकी हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग है ना, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग। सेव किया, सेव कर लेते हैं, बैक फोल्डर पे आते हैं और यहां पे कर दिया demo33.html, सेव कर लिया गाइस। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप किसी टेक्स्ट पे ही सीजे अप्लाई कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज किया img src है ना, img src और इमेज हमने रखा है कहाँ पे, किस फोल्डर के अंदर रखा है। अब इमेज पे इन लाइन सीएसएस का यूज करते हैं और देखते हैं। देखो डेस्कटॉप पे एक बनाया हमने मैसेज, फर्स्ट पेज का एसएस लेना है, फर्स्ट पेज कौन सा था भाई, ये इसका तो एसएस आपने ले लिया था, ये था क्या, फर्स्ट पेज का एसएस लेना है तो ले लो आप। चलो हाँ इस पे आते हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर हमने इमेज रखा है, बैक आते हैं और इमेजेस फोल्डर के अंदर या तो abc.gif, चलो इसको छोड़ते हैं, और एबीसी फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज रखा है js.jpg, चलो js.jpg इसको मैं आता हूं, और इमेजेस फोल्डर के अंदर क्या है, एबीसी फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर और क्या है, js.jpg, ये इमेज हमने लगाया, js.jpg रन कराया, कुछ इस टाइप का आपका पेज आया, ठीक है, demo33.html ये पेज आया है। अब आपने एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर लिया है, इंटरनल सीएसएस यूज कर लिया है और इनलाइन सीएसएस पे आते हैं। इनलाइन सीएसएस में क्या है, इनलाइन सीएसएस में देखो हमें सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना होता है, इनलाइन सीएसएस के लिए क्या होता है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, यानी कि जो आप इंटरनल सीएसएस स्टाइल टैग के अंदर लिखते थे वैसे ही स्टाइल क्या है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। जब एट्रीब्यूट है तो आपको पता है कि एट्रीब्यूट है तो इक्वल लगेगा और डबल कोट्स के अंदर वैल्यू पास की जाती है ना, तो ये इनलाइन सीएसएस में स्टाइल एट्रीब्यूट होता है और इक्वल डबल कोट्स के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू ऐसे आप सेट कर सकते हो, है ना। तो अब ये स्टाइल एट्रीब्यूट एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, क्या मतलब है ग्लोबल एट्रीब्यूट का बताओ, ग्लोबल एट्रीब्यूट का मतलब मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि ग्लोबल एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि बॉडी सेक्शन के अंदर जितने भी आप टैग अभी तक के यूज की हो या आगे करोगे उस सब में आप स्टाइल एज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इसका हमको हाइट सेट करना है, बॉर्डर लगाना है, बैकग्राउंड यूज करना है, जैसे SRC एक क्या था, एट्रीब्यूट था, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है। SRC सभी टैग के अंदर अवेलेबल आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टाइल को सभी टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हो, इसलिए ये ग्लोबल है, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, ये कॉमन एट्रीब्यूट बोल सकते हो या ग्लोबल एट्रीब्यूट बोल सकते हो। अब इसमें कैसे डिफाइन करना है भाई, ये जो वैल्यू आपने ऐसे यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हमें कोई सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, जिस भी टैग में सीएसएस देना होता है उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं और उस डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है या हाइट सेट करना है, इसकी हाइट कम करनी है या विड्थ सेट करनी है, तो हाइट सेट करने के लिए क्या है, हाइट एट्रीब्यूट है, चलो हाइट हमने कर दिया 400 पिक्सल
है ना, हाइट हाइट कर दिया, विड्थ भी ऐसे डिफाइन करना है तो विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, और सेमी कॉलन का यूज करोगे। बॉर्डर लगाना है तो सेमी कॉलन के बाद आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर, बॉर्डर, और वही तरीका है बॉर्डर लगाने का, यानी कि जैसा बॉर्डर लगाना है हमें 10 पिक्सल, जिस टाइप का बॉर्डर लगाना है हमें डबल टाइप का बॉर्डर लगाना है तो डबल लिख दिया, जिस कलर का लगाना है हमें ऑरेंज कलर लगाना है तो ऑरेंज लिख दिया। यानी कि जितने CSS की प्रॉपर्टी, सॉरी डबल डबल डबल, ठीक है, तो जितने CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू यूज किए जाने हैं कहां पे डिफाइन किया जाएगा, ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप जितने CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करते हो कर सकते हो, है ना, जितने यूज करना है कर सकते हो। इसमें सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आप उसी जिस भी टैग में आपको CSS अप्लाई करना है उसी टैग के ओपनिंग में जाके आप, आपको पता है कि जो एट्रीब्यूट डिफाइन किए जाते हैं ओपनिंग टैग में ही डिफाइन किए जाते हैं, ओपनिंग में आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करोगे और CSS डिफाइन कर दोगे। रन कराया और रन कराने के बाद कुछ ऐसा बॉर्डर आया है, है ना। वैसे ही आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करने है बॉर्डर हाइफन रेडियस यूज करना है तो बॉर्डर हाइफन रेडियस आपने यूज करा, और बॉर्डर रेडियस के बाद आपको जितने पिक्सल बॉर्डर रेडियस देना है, आपको तरीका मैं बता चुका हूँ बॉर्डर रेडियस देने का, वो सारे CSS आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो देखो ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ, तो इनलाइन CSS आपको समझ आया, यानी कि जिस भी टैग में आपको CSS देना है, जिस भी टैग पे आपको CSS डिफाइन करना है उसी टैग के ओपनिंग में जाके स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे और उसमें जितने भी आपको प्रॉपर्टी वैल्यू अप्लाई करने हैं आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि तीनों की प्रायोरिटी क्या होती है, अब तीनों की प्रायोरिटी देख लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन, यानी कि एक ही टैग को आप एक्सटर्नल CSS भी अप्लाई करते हो, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, आप स्टाइल आप इंटरनल CSS भी देते हो, एक्सटर्नल CSS भी देते हो, इनलाइन CSS भी देते हो और सब पे सेम प्रॉपर्टी वैल्यू अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले कौन सा अप्लाई होगा। चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं CSS की प्रायोरिटी, देख लेते हैं कि किसकी प्रायोरिटी कब होती है, किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है, ये हम लोग प्रायोरिटी देख लेते हैं CSS की। तो देखो ये आपने देखा इंटरनल इनलाइन CSS, समझ आया, क्लियर है, एक्सटर्नल की ज्यादा नहीं होती है, है ना, सबसे हाई इनलाइन की होती है। चलो तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सर तीनों CSS एक तरह के डिजाइन हो जाएगा, तीनों CSS से एक तरह के डिजाइन हो जाएगा, जो जो अगर सेम टाइप का आपको CSS अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हो सेम CSS अप्लाई प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करना पड़ेगा। इमेज बीच में कैसे आएगा, इमेज को बीच में करने के लिए एक तो तरीका है, आपको एक तरीका है कि आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर टैग का यूज कर सकते हो, या तो आपको मैं आगे बताऊंगा मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, यानी कि आप लिखोगे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो सेंटर में करने के लिए, लेफ्ट और राइट से मार्जिन यानी कि बाहर की तरफ स्पेस छोड़ने के लिए मार्जिन का यूज करते हैं, तो आगे आपको समझ आएगा सेंटर में करने के लिए, या तो सेंटर टैग यूज कर लो। यहाँ पे आपको एक तरीका पता है कि आप सेंटर में करना है तो सेंटर टैग यूज कर लो और सेंटर की क्लोजिंग कर लो, चलो रन करा लेते हैं और यहां पे आया, ठीक है, तो सेंटर देखा आपने। अब देखो बात ये करते हैं कि एक्सटर्नल CSS, आपको एक्सटर्नल CSS यूज करने का एडवांटेज क्या है। देखो अगर आप बात करो कि आपने चार पेज बनाए हैं तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल पे ले चलूं, थोड़ा सा बोर्ड पे ले चलूं मैं आपको, हाँ तो देखो अगर आपने सपोज करो स्क्रीन विजिबल है दिख रहा है ना, चलो ठीक है, आपने यस सर, आपने मान लो यहां पे 5 HTML पेज बनाया है, 1 HTML पेज, 2 HTML पेज, ये 3 ऐसे मल्टीपल आपने HTML डॉक्यूमेंट बनाया है, मल्टीपल
आपने HTML डॉक्यूमेंट बनाया है ना, ऐसे मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट बनाया है, और सब में क्या है कि आपने मान लो कोई इमेज लगाया है या कोई H1 टैग यूज किया है, H1 टैग, इसमें भी है और H1 टैग इसमें भी है, ठीक है, सब में, यानी कि आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाया है। देखो समझो इसको सर, अगर 1000 पेज बनाया है, क्या मैसेज कर रहे हो, क्या मैसेज बनाया है, मैसेज कर रहे हो, चलो ठीक है, देखो तो आपने मान लो कि सेम आपने सिंपल, अब एक H1 टैग की मैं बात करूं तो मल्टीपल आपने पेज बनाया है और उसमें H1 टैग यूज किया है, H1 ही नहीं आप कोई भी टैग यूज किया हो, अब सबका हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, सबका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए और इस पे बॉर्डर लग जाए सब में, इस पे भी हम चाहते हैं, इसके अंदर जो H1 टैग यूज किया गया है आपने इसका कलर बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट का कलर व्हाइट, आप चाहते हो इसका इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, इस पे टेक्स्ट का शैडो लगाना चाहते हो इस पे, और इस पे भी वही CSS सेम अप्लाई करना चाहते हो, उस पे भी यही CSS सेम अप्लाई करना चाहते हो, इस पे भी यही CSS, इस H1 टैग पे वही CSS सेम अप्लाई, यानी कि सब पे ये सेम CSS अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप क्या करोगे, अगर इनलाइन की बात करो, इनलाइन CSS देना होगा आपको, तो सब में हमको ये सारा CSS यानी कि 5 CSS आपने इस पे डिफाइन किया है, तो सब में हमको इसी H1 में अगर इनलाइन CSS देते हो तो इसमें भी जाके डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें भी जाके इनलाइन CSS की अगर मैं बात करूं तो इसमें जाके आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी 5 CSS की प्रॉपर्टी आपको इस पे भी अप्लाई करना है, सेम इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी सब पे अप्लाई करना है, तो सभी टैग में इनलाइन में जाके H1 के ओपनिंग में जाके आपको 5 CSS सब में मल्टीपल टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि यही 5 CSS आपने इसमें डिफाइन किया, यही 5 CSS इसमें डिफाइन किया, यही 5 CSS इसमें डिफाइन किया, और वैसे कितने पेज हैं, ये हैं आपके 7 पेज, तो टोटल आपको 5 CSS अप्लाई करना है, तो टोटल कितने बार आप डिफाइन करोगे, कितने टाइम डिफाइन करोगे बताओ, कितने टाइम डिफाइन करोगे, 5 CSS मान लो आपको अप्लाई करना है, सेम स्पेस, तो कितने टाइम्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, 37 टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5 CSS वैसा ही इस पे भी डिफाइन जाके इसके अंदर लिखोगे, फिर वही CSS इसके अंदर जाके लिखोगे, वही CSS फिर इसके अंदर लिखोगे, यानी कि एक पेज के अंदर 5 CSS है तो 7 पेज में आपको कितने बार डिफाइन करना पड़ेगा, अप्लाई करो, नहीं समझ आ रहा है, 35 टाइम्स आपको वही सेम CSS लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि 7 टाइम्स अगर 35 आपको CSS आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि 7 टाइम्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि 5 CSS यानी कि यहाँ पे डिफाइन करोगे, 5 CSS यहाँ पे डिफाइन करोगे, इसमें 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 सब में, लेकिन अगर आप इंटरनल की बात करो तो इंटरनल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल में भी आप क्या करोगे कि 5 CSS यहाँ पे इसी पेज के अंदर लिखोगे तो यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिफाइन, यानी कि सभी पेज में इंटरनल में भी बात करोगे तो आपको 7 टाइम यानी कि आपको 35 CSS आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन वही आपने क्या करो कि वही CSS आप सब में कॉमन है तो आपने क्या कर दिया, एक पेज बना लिया एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल CSS आपने बना लिया और उसके उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने 5 CSS डिफाइन कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अब फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, आप वो CSS डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा, आपने एक बार CSS डिफाइन किया और क्या किया, 5 पेज में लिंक करा लिया, 5 पेज में लिंक करा लिया और सब में अप्लाई हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल टाइम आपको बार बार CSS डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। अभी तो मैंने 5 CSS की बात करी, मान लो आपने 1000 CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू आपने यूज किया है और सब पे सेम अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा,
हर पेज में डिफाइन करने की बजाय, हर पेज में डिफाइन करने की बजाय आपने उसको क्या कर लो, कॉमन सीएसएस को आप एक्सटर्नल फाइल में बना के सब में लिंक कर लोगे, तो आपको उतने बार सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पेज में आपने कॉमन सीएसएस बना के, आपने उसको एक्सटर्नल बना के हर पेज में लिंक कर लोगे, तो क्या होगा, सभी पेज में अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपको बार बार सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कॉमन सीएसएस को एक एक्सटर्नली बना के सारे पेज में लिंक करा सकते हो, है ना। अब देखते हैं प्रायोरिटी की बात। अब हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी अधिक होती है ये देख लेते हैं। चलो तो अब एक छोटे से एग्जांपल, ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग कल की क्लास और भी आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, डिविजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि डिवीजन पूरे एचटीएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कल से, डिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास आप लोग गैप ना करना। एचटीएमएल इसकी क्लोजिंग। अब प्रायोरिटी देख लेते हैं, हेड सेक्शन, बस छोटा सा ये टॉपिक है, बस कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा क्लास आज लंबा चल गया। और बॉडी, बॉडी की सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद डेमो 30.html सेव कर लेते हैं। अब चलो हमने यहां पे सिंपल एक क्या बनाया, h1 टैग, चलो h1 ही बना लेते हैं, ठीक है, h1 बना लेते हैं, और h1 के अंदर हमने लिख दिया वेलकम टू html। इसका कलर चेंज करना है। अब इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है इनलाइन सीएसएस से, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है इनलाइन सीएसएस से, या तो हमको एक्सटर्नली इस टेक्स्ट के लिए एक्सटर्नल सीएसएस डिफाइन करना है, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक्सटर्नल सीएसएस डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने एचटीएमएल पेज बनाया और सीएसएस पेज आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, स्टाइल शीट अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरे पेज पे आते हैं, हमें किस टैग को सीएसएस देना है बताओ, हमें H1 टैग को सीएसएस देना है, तो H1 यानी कि टैग सेलेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा H1, और इसको सेव कर लेते हैं। हमें टेक्स्ट को कलर को चेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने कर दिया रेड, अभी रेड किया है, अभी कलर केवल टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, कलर को चेंज कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया। इसको सेव कहाँ पे कर लेते हैं, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, मैंने सीएसएस फोल्डर के अंदर सेव किया। चलो हमने कर दिया इसका नाम स्टाइल, क्या नाम कर दिया, स्टाइल डॉट एक्सटेंशन क्या होगा, .css, style.css। क्या करना पड़ेगा इसको इस पेज में अप्लाई करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, प्रायोरिटी देखना है, हमने क्या करना पड़ेगा इस पेज में अप्लाई करने के लिए, गाइस क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक करने के लिए कौन सा टैग, लिंक टैग यूज किया, और एट्रीब्यूट कौन सा, HREF, और यहां पे बताओ हमने स्टाइल पेज का नाम क्या दिया था, स्टाइल एक्सटेंशन दे दिया था, सीएसएस क्या अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको सीएसएस फोल्डर के अंदर सेव किया था, ध्यान दिया होगा आपने, और रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा स्टाइल से। तो ये तो था एक्सटर्नल सीएसएस, ये अभी तक के कल, जब इसको रन कराओगे तो पेज आपका यानी कि कलर अप्लाई हुआ, इतना तो आपने देखा कलर अप्लाई हो गया। चलो यहां पे आते हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया, चलो अच्छी बात है, कलर चेंज हो गया। अब आते हैं इस पेज पे, अब इसी टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस डिफाइन करते हैं। हमने यहां पे लिखा इंटरनल सीएसएस डिफाइन करने के लिए, क्या बताया, इंटरनल सीएसएस डिफाइन करने के लिए आपको बताया मैंने स्टाइल टैग के अंदर, अभी मैंने फिर से क्या किया, H1 टैग को सेलेक्ट किया। अगर बैकग्राउंड को चेंज करना है तो हमने लिख दिया बैकग्राउंड येलो लिख दिया। चलो बैकग्राउंड येलो, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे कलर को चेंज किया है आपने एक्सटर्नल सीएसएस से, और बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है इंटरनल सीएसएस से, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल सीएसएस से आपने क्या दिया, एक्सटर्नल सीएसएस से आपने
कलर को चेंज किया है। अब मैं इंटरनल सीएसएस से कलर को चेंज कर रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, इंटरनल सीएसएस से कलर को चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पे कर दिया एक्वा, क्या कर दिया एक्वा। अब बताओ कि कलर कौन सा अप्लाई होगा इसी टैग के लिए, इसी एच वन के लिए। इसी एच वन के लिए आपने इंटरनल सीएसएस भी डिफाइन किया है और एक्सटर्नल सीएसएस भी डिफाइन किया है। देखो कलर यहां पे भी डिफाइन किया है और कलर यहां पे भी डिफाइन किया है। कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, देखो क्या होता है कि प्रायोरिटी किसकी अधिक होती है। सेम सीएसएस की प्रॉपर्टी आपने डिफाइन किया है तो कलर आएगा एक्वा। देखो रेड भी डिफाइन किया लेकिन अप्लाई कौन सा हो रहा है, एक्वा, क्योंकि एक्सटर्नल से इंटरनल की प्रायोरिटी हाई होती है ना। एक्सटर्नल से अगर बात करो, यहां पे बॉर्डर, यहां पे हमने कर दिया बॉर्डर, बॉर्डर डिफाइन किया, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो अभी बॉर्डर अप्लाई होगा कि नहीं, अभी एक्सटर्नल अप्लाई होगा। मैंने रन कराया और ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है। लेकिन अगर यही सीएसएस आप इंटरनल डिफाइन कर दो, यहां पे हमने कर दिया बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड पिंक, तो अब ये कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, क्योंकि आपने देखो बॉर्डर इसी H1 टैग के लिए आपने इंटरनल सीएसएस भी दिया है और एक्सटर्नल सीएसएस भी दिया है, लेकिन प्रायोरिटी की वजह से इंटरनल की प्रायोरिटी हाई होती है, इसलिए ये क्या होगा, ये सीएसएस अप्लाई होगा। हो रहा है, देखो अब मैं चेंज कर रहा हूं, देखो बॉर्डर कौन सा अप्लाई हो रहा है, इंटरनल। अगर मैं बात करूं इनलाइन की, अब इसी टैग के लिए मैं इनलाइन पे आता हूं, स्टाइल इक्वल हमने कर दिया यहां पे कलर, ठीक है कलर। अभी मैं डिफाइन करता हूं बॉर्डर रेडियस, चलो बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया, बॉर्डर रेडियस तो अप्लाई हुआ, ठीक है बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो गया, हमने 20 पिक्सल किया, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ, ठीक है बॉर्डर रेडियस आ गया। अब हमने यहां पे फिर से एक ही टैग के लिए यहां पे कलर क्या दिया है, एक्वा दिया है, यहां पे कलर क्या दिया है, यहां पे रेड दिया है, और इसी टैग के लिए मैं कलर डिफाइन करता हूं इनलाइन भी, यहां पे कलर कर दिया नेवी। अब बताओ अब कौन सा कलर यहां पे, यानी कि इसी H1 टैग के लिए आपने इनलाइन सीएसएस भी दिया है कलर के लिए, आपने इंटरनल सीएसएस भी दिया है कलर के लिए, और अपने आपने एक्सटर्नल सीएसएस भी दिया है कलर के लिए। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है गाइस, किसकी होती है, इनलाइन की, यानी कि अप्लाई कौन सा होगा, अप्लाई कौन सा होगा, नेवी कलर आएगा। देखो रन कराया तो कलर क्या आया, नेवी, यानी कि एक ही टैग के लिए आपने इनलाइन सीएसएस दिया है, इंटरनल सीएसएस दिया है और एक्सटर्नल सीएसएस दिया है, और सीएसएस की प्रॉपर्टी सेम रखा है, तो क्या होगा फर्स्टली इनलाइन वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर वो डिफाइन नहीं किया है तो इंटरनल डिफाइन होगा, अगर इंटरनल डिफाइन नहीं किया है तो एक्सटर्नल अप्लाई होगा। यानी कि प्रायोरिटी सबसे हाई किसकी होती है, इनलाइन की, देन इंटरनल की, देन एक्सटर्नल की। समझ आया आपको, बताइए प्रायोरिटी आपको समझ आया। तो ये तो अभी बेसिक सीएसएस कैसे लगाते हैं आपने सिंटैक्स देखा है, अब हम लोग कल से डिवीजन और सीएसएस की बहुत सारी प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं। क्यों, समझ आया अच्छे से, सभी लोग रिप्लाई करिए बताओ। यस सर। चलो तो ठीक है, अच्छी बात है। अब टास्क आपको दिया जाएगा, आप टास्क को करना, और टास्क को करके आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि कल आपको बहुत ही ज्यादा टास्क मिलने वाला है ना। तो अगर कल के लिए छोड़ोगे, क्योंकि कल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, और पूरे इस HTML में अगर डिवीजन आपको समझ नहीं आया तो आप वेब पेज बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो कल का टास्क बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए आज आपको टास्क दिए जाते हैं, जो पुराने लेक्चर्स हैं उसको आप देख के, जो अगर क्लासेस छूटे हैं तो देख के कंप्लीट करें, और जो पुराने टास्क हैं प्लीज उसको आज तक, भले ही आपको आज रात भर जगना पड़े, लेकिन उसको कंप्लीट करके सबमिट करने की कोशिश करें। ओके, ठीक है।
ठीक है, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है या कुछ चीजें टॉपिक नहीं समझ आई हैं, थोड़ा सा स्पीड फास्ट था या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो वीडियो अभी एक घंटे में पैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख के इसको चीजों को कंप्लीट करें। ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप प्रेजेंट लगा दो और उसके बाद हम लोग लीव करते हैं मीटिंग। ओके, जिसका क्लास टास्क गलत सबमिट हो गया आप मुझे कॉल करें, आपका टास्क डिलीट कर दिया जाएगा। ओके चलो, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर। मैसेज प्रेजेंट। थैंक यू, कोड मैं अपलोड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है क्या कह रहे हो? एसएस लेना है किसका? लास्ट वाले का, इसका एसएस लेना है क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, कोड मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एसएस लेना है किस पेज का बताओ? जिसको भी एसएस लेना है, एक एक पेज ओपन कर दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा पेज ये है, एसएस ले लो। ये है एंड ये है 32। ठीक है, 31। इसका एसएस लेना है तो ये जो थ्योरी है इसका ले सकते हो 1 to 16। 1 to 16 15 to 31 और उसके बाद ये लास्ट है। चलो तो ठीक है, और कल मैं आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों से मैं एक बार फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं। तो जिसको भी कुछ बोलना होगा या चीजें आपको बतानी होगी तो मैं आपको स्पॉटलाइट में करूंगा, आप कुछ बता सकते हो कि कैसा आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं। तो मैं स्क्रीन आपका शेयर करूंगा, आपको बोलना है, बोलोगे क्यों? आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है क्यों कल? तो जिसको भी आपको एक्सपीरियंस अपना बताना है, आप सीख पा रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मुझे बताओ। तो जिसको भी बोलना होगा तो मैं मुझे बताना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्पॉटलाइट में कर दूंगा, आपको बोलना है। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय, चलो ठीक है।